वेलकम बैक एवरीवन टू हिमलैंड्स। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ दिक्कतें हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ती है। तो लास्ट एपिसोड में विजर्ड ने मुझे एक इल्यूजन वाले वर्ल्ड के अंदर ट्रैप कर दिया था, बिकॉज हमारे हिमलैंड्स के वर्ल्ड के अंदर होने वाले एक बहुत ही बड़ी पार्कोर वॉरियर की चैंपियनशिप, और इस वक्त उस पार्कोर चैंपियनशिप में विजर्ड का सबसे बड़ा कंपेटिटर मैं हूँ। तो वो चाहता था मुझे कम्प्लीटली अपने रास्ते से हटाना, दैट्स व्हाई उसने मुझे इस वर्ल्ड के अंदर ट्रैप किया था। और उसने मुझे इस वर्ल्ड के अंदर मारने के लिए कुछ किलर्स को भी छोड़ा हुआ था, बट जैसे तैसे करके मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, बट इन द एंड मुझे पता चलता है कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ये एक इनफाइनाइट लूप में काम करता है, दिस मींस यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। लेकिन गाइस यहाँ पर होता है एक मिरेकल। मुझे इस वर्ल्ड के अंदर से बचाने के लिए आया था इनविजिबल एंटिटी, जो चीज देखकर मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, बट इसने हमें बचाया, मुझे और किंग ओडिन को। एंड इसी बीच मुझे पता चलता है कि जो पार्कोर चैंपियनशिप 5 दिन के बाद होने वाली थी वो अब जल्दी होने वाले 5 घंटे के अंदर। तो जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, मैं सीधा भागता हूँ अपने इस पार्कोर चैंपियनशिप के अंदर एंट्री लेने के लिए। लेकिन गाइस जहाँ पर पार्कोर चैंपियनशिप थी वहां पर मिस्टर फलाना जी ने अपने बॉडीगार्ड्स को रखा हुआ था बहुत सारे, और वो सारे के सारे मेरे पीछे पड़ते हैं मुझे मारने के लिए। तो उनसे स्नीकिंग करके गाइस पोर्टल के थ्रू जाने के लिए मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बनाई, जो की थी विलेज के अंदर एक चुड़ैल को मैंने पकड़ा जिसने मेरे ऊपर मैजिक स्पेल्स मारे, जिससे मैं छोटा हो गया। एंड छोटे से साइज के साथ मैं इन गार्ड्स के सामने सामने स्नीकिंग कर देता हूँ इस पोर्टल के अंदर। एंड आज अगर इस पार्कोर चैंपियनशिप वाला दिन हिमलैंड्स के अंदर, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस वन। इफ यू गाइस एक्साइटेड लीव अ लाइक, वीडियो का लाइक एम पर 4 लाख लाइक्स, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड एंजॉय दिस वीडियो मैन। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग वहां से बाहर आ चुके हैं। एंड आई गेस ये वाला वर्ल्ड हो सकता है। वेट, पहले मैं एक बार कंफर्म करने दो कहीं मैं किसी गलत जगह पे तो नहीं आ गया हूं, वैसा सा होना मुश्किल है। ओ माय गॉड, नीचे देखो भाई। ओके, यहां पे तो वॉइड ही वॉइड है हर जगह पे। एंड मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि मैं एकदम सही जगह पे आया हूँ इस वक्त। मैं देखो एक बार कितना छोटू है यार, कसम से पूरा पूरा ग्रास के अंदर घुसा हुआ हूं मैं। यस एग्जैक्टली गाइस, आई थिंक यहाँ पर होने वाली है वो पार्कोर वॉरियर की चैंपियनशिप, बिकॉज इस जगह को देखकर तो मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है। ओ माय गॉड, व्हाट इज दैट थिंग ब्रो? हवा में पार्कोर पूरा करने के लिए कैसे प्रैक्टिस एरिया वगैरह हो सकता है लोगों का? ये बहुत ज्यादा एपिक है। एंड अभी तो गाइस फिलहाल को मैं छोटा हूँ, उस चुड़ैल ने मुझे बोला था कि लाइक 3 से 4 मिनट और बचे हुए अभी मेरे साइज को गेन होने के लिए। एंड जैसे मैं गेन होऊंगा मेरा सबसे पहला काम है यहाँ पर टिकट्स वगैरह खरीदना और एंट्री लेना है। वो देखो गाइस टिकट काउंटर वो रहा। एग्जैक्टली हम लोग सही जगह पर आए हैं, और तुम लोग गाइस देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लोग वगैरह आए हुए हैं। फलाना जी है वहां पे। वेट, ओ माय गॉड गाइस, जितने भी तुम्हें से नए लोग आए हैं मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो फलाना जी है, ये जो बीच वाला बंदा और ये साइड वाला बंदा, ये तीनों कौन है? ये मिस्टर फलाना जी है जो कि इस पार्कोर वॉरियर की चैंपियनशिप को जीतने के लिए एकदम बेचैन है, बिकॉज जो हमारे पार्कोर वॉरियर की चैंपियनशिप है इसको हम लोग जब जीतेंगे तो इसका जो फर्स्ट प्राइज है वो है बहुत ही रेयर टूल जो कि अनब्रेकेबल चीजों को तोड़ सकते हैं, ब्लॉक्स को तोड़ सकते हैं। हमारे इस हिमलैंड्स के वर्ल्ड के अंदर बहुत ही मायावी ब्लॉक्स है गाइस, जिनको हम लोग नॉर्मल पिकैक्स वगैरह से नहीं तोड़ सकते हैं। तो उनको तोड़ने के लिए जो स्पेशल टाइप की पिकैक्स होती है वो इस पार्कोर चैंपियनशिप का फर्स्ट प्राइज, एंड उसको जीतने के लिए जो मिस्टर फलाना जी बहुत ज्यादा डेस्परेट है। तो गाइस द थिंग इज, ये जो बीच वाला बंदा ये विजर्ड जो कि हमारे हिमलैंड का जो सबसे बेस्ट पार्कोर वॉरियर था ना, उसकी स्किन पहन कर आया हुआ है। फलाना जी ने इसको हायर किया हुआ जीतने के लिए। और जो गाइस ये तीसरा वाला बंदा है ना, ये ब्राउन वाली ड्रेस के अंदर, ये गाइस हमारे हिमलैंड का सबसे बेस्ट आर्चर यानी कि बो वाला तीरंदाज आदमी, जिसको मिस्टर फलाना जी ने हायर किया है इस पार्कोर चैंपियनशिप के कंटेस्टेंट्स के ऊपर एरो छोड़ने के लिए एक स्पॉट के ऊपर, कहीं ना कहीं इसको बैठा के रखेगा ताकि सबको रेस में से बाहर करता रहे। एंड जो इसका बंदा ये विजर्ड ये जीत जाए रेस को। तो इसने ना पूरी की पूरी चीटिंग की प्लानिंग करी हुई है। अब ऐसा करता हूँ गाइस मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ, बिकॉज अब मेरा साइज यहाँ पे कभी भी रीगेन हो सकता है। तो बैक साइड के लिए चलते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर मैं वेट करता हूँ। यस फाइनली गाइस मेरा साइज यहाँ पे फिर से वापस आ चुका है। लेट्स गो नाउ, अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ पार्टिसिपेट अपने इस पार्कोर चैंपियनशिप के अंदर। मैं ऐसा करता हूँ टिकट काउंटर वाले बंदे से फटाफट बात करके आता हूँ। ब्रो मुझे यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है इस पार्कोर वॉरियर चैंपियनशिप के अंदर, मुझे बताओ क्या क्या फॉर्मेलिटीज है ब्रो। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर टिकट काउंटर वाले भैया से बात करी और इन्होंने मुझे बताया कि इस साल का इस पार्कोर वॉरियर के चैंपियनशिप के अंदर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लोगों ने पार्टिसिपेट कर दिया है। एंड जो हमारी फाइनल रेस होने वाली है ना पार्कोर वॉरियर की, उसमें सिर्फ 4 बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ 4 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उन 4 लोगों को सिलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया है, सबसे पहले जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सभी के सभी को 4-4 के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। और अब उन सारे के सारे ग्रुप्स को अलग अलग पार्कोर वाली जगहों पे भेजा जाएगा, और उन पूरे पूरे ग्रुप में से कोई एक भी सिलेक्ट हो सकता है, चारों के चारों बंदे भी सिलेक्ट हो सकते हैं। बिकॉज जो हमारा फर्स्ट स्टेज होने वाला है उसके अंदर पार्कोर को कंप्लीट करने की टाइमिंग मैटर नहीं करेगी, सिर्फ पार्कोर को स्टार्ट से लेकर एंड तक अपने को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करते ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन इसने मुझे बोला कि वो जो पार्कोर होगा ना वो बहुत ज्यादा टफ होगा, बहुत ज्यादा कम ही लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। ठीक है, सभी मुझे यहाँ पे अपने 4 बंदों का वेट करना पड़ेगा, जो भी होंगे भाई बंदे उनका वेट करते गाइस। एंड देन मुझे पता चलेगा कि मैं कौन से ग्रुप के अंदर डाला हुआ हूँ अपने फर्स्ट पार्कोर रेस के लिए। ऑल
राइट गाइस, तो ये बंदे ना मेरे ग्रुप में, ये तीन बंदे, एंड मुझे यहाँ पे इस वक्त ना ग्रुप नंबर एच में डाला हुआ, तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे दरवाजे है भाई, पूरी की पूरी बिल्डिंग में ना अरे से लेकर परे तक ये सारे के सारे दरवाजे दिए हुए हैं, और ये सारे के सारे ना अलग अलग बंदों के लाइक ऐसे ग्रुप्स वाले रूम्स है इसके अंदर। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कितने नजदीक नजदीक वाले रूम्स के अंदर बंदे कैसे पार्कोर करेंगे, बट कुछ ना कुछ तो इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया रखा होगा। एंड गाइस देखो, जो हम लोग ग्रुप नंबर एच में, इन्होंने मुझे बोला है कि जो दरवाजा है ना इसकी लाइन में सीधे में मेरे को हम सभी के सभी लोगों को खड़ा रहना है। बट गाइस मुझे समझ नहीं है कि इन लोगों ने हमें स्ट्रेट लाइन में खड़ा क्यों किया है। यहाँ पे बाउंड्रीज लगाने के लिए, एंड आई थिंक अब यहाँ पे हमारी पार्क को जब जब स्टार्ट होने वाली है। बट कितनी छोटी सी जगह पे इन्होंने हमें यहाँ पे खड़ा कर दिया भाई, सारे के सारे बंदे यहाँ पे। एक सेकंड रुको भाई, साइड में देखो नीचे को लिख के आ चुका है प्लेयर वन, प्लेयर टू, प्लेयर थ्री एंड स्मार्टी पाए। आई गेस हम चार बंदे है और सबसे लास्ट में मेरा नंबर आएगा यहाँ पे। तुम्हें से प्लेयर नंबर वन कौन सा है? प्लेयर वन कौन सा है? ये प्लेयर नंबर वन है। तो आई गेस ब्रो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आगे, तो ठीक है भाई जा अंदर, और आई गेस तू पार करने की पूरी कोशिश करी यार इसको, है ना? मेरे को लग रहा है बहुत खतरनाक होगा। बाय 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 बाय, ऑल राइट। अंदर अंदर दो दो दरवाजे दिए हुए भाई इन लोगों ने, मेरे को ना सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को। अब अंदर जाके क्या होगा इसके साथ? वो तो यही बंदा जा, व्हाट ब्रो मर गया ये बंदा पहले ही। देखो साइड में नीचे लिख के आ चुका प्लेयर वन डेड ऑलरेडी, व्हाट ब्रो। गाइस मेरे को ऑलरेडी बोला था उन लोगों ने कि ये जो पहला चरण होगा ना ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, इसलिए सिर्फ पार करना है, जिसने पार कर दिया वो सेकंड राउंड पे क्वालिफाई हो जाएगा। भाई प्लेयर टू कौन सा तुम दोनों में से? प्लेयर टू कौन सा है? ये आप हो प्लेयर टू? ओ माय गॉड भाई जाओ, मैं तो सबसे लास्ट हूं भाई, मैं तो आराम से जाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक टू यू मैन, प्लीज तो जिंदा रह जाइयो, क्योंकि अगर जिंदा रहेगा तो शायद से मैं इससे बात वगैरह भी कर पाऊंगा। जाओ भाई, ओके बेस्ट ऑफ लक ब्रो, मरियो मत प्लीज, है ना, क्योंकि पहला वाला बड़ा ही खतरनाक तरीके से मरा है। लाली भाई पीले भाई, अगली बारी आपकी है, ठीक है ना? तो थोड़ा आराम से, आई गेस ये बंदा शायद से पार कर देगा, इसने मुझे बताया था इससे पहले कि ये थोड़ा ज्यादा अच्छा पार कर। भाई ये भी मर गया नीचे देख, व्हाट इज हैपनिंग डूड। मेरे ग्रुप के दो बंदे जाते ही अगले 10-10 सेकंड के अंदर मर चुके हैं, इतना भी क्या खतरनाक पार करे भाई यहाँ से अंदर। ब्रो अब आपकी बारी है, प्लेयर नंबर थ्री। ओ माई गॉड मेरे को तो बहुत अजीब लग रहा है। जा भाई जा, बेस्ट ऑफ लक टू यू मैन, बेस्ट ऑफ लक टू यू। ठीक है भाई ये भी चले गया गाइस। ओ माय गॉड ये क्या हो रही है यार, प्लेयर नंबर थ्री का देखते हैं, अगर इसका भी 10 सेकंड के अंदर आ गया ना फिर से मरने वाला तो मैं समझ जाऊंगा गाइस कि वो चंद्र का पार्कोर कोर्स है ना बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ही ज्यादा टफ होगा पक्का वो। फिर देखो फिलहाल को तो इसका आया नहीं, आई गेस अच्छा खेल रहा है फिलहाल को भी, चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी मैं इसका वेट करता हूं यहां पे कि ये बंदा पार करता है कि नहीं कर पाता इस पहले पार्कोर के लेवल को पार। हमें इतना टफ तो नहीं होना चाहिए था यार। मच 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 लेटर। Oh my God, इसका भी डेडली नीचे लिख के आ गया, और इसने लगभग 3.5 मिनट्स निकाले हैं, बाकी बंदे 10-10 सेकंड मर गए थे, ये 3.5 मिनट से लेकर आगे उस आई गेस पार्कोर रेस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होगा। और गाइस तो नाउ इट्स माय टर्न, मैंने यहाँ पर ना पूरा का पूरा आर्मर पहना हुआ है, एंड क्योंकि हमारा फर्स्ट राउंड है तो आर्मर्स वगैरह अलाउड है, इन्होंने बोला नहीं कि आर्मर वगैरह निकालने की जरूरत है, ना ही हमारी इन्वेंट्री खाली करी इन लोगों ने। इनफैक्ट पर्ल्स वगैरह अलाउड नहीं थी भाई अंदर, अगर इन्होंने मुझे पर्ल यूज करते हुए देख लिया ना तो भाई साहब मेरी बैंड बजने वाले, मुझे सीधा डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो अब मेरी बारी, देखते भाई इस दरवाजे के आगे क्या है ऐसा, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। व्हाट ब्रो, इस दरवाजे के पीछे नॉर्मल सी जगह थी, और इसके आगे देखोगे तो भाई साहब लोग कहीं और ही आ चुके हैं। ओ माय गॉड व्हाट इज दिस पार्कूर, नीचे गिरते ही गाइस हम लोग मर जाएंगे, ये हम लोग वॉइड के। ओ माय गॉड मैं कैसे करूंगा इसको पार। यहाँ पे एक चेस्ट रखी हुई है, वेट, चार रेडस्टोन के ब्लॉक्स है, 32 सैंड्स है एंड एंड स्टोन ब्रिक्स दी हुई है। एक सेकंड, इन तीनों को मैं यहाँ पे निकालने वाला सबसे पहले नीचे, और पूरा का पूरा जो पार्कोर का रेस है ना गाइस वो इससे कंप्लीट करनी है मेरे को ये वाली। ओ आई गॉट इट आई गॉट इट, अगर मैं रेड स्टोन को गाइस वहां पे लगाऊंगा ना तो ये बाहर आ जाएगा, जब ये बाहर आ जाएगा तो हम लोग इसके ऊपर खड़े रह सकते हैं। इस इलाके पे जाते हैं ना ये बहुत लैग हो रहा है, क्यों भाई? मे भी हो सकता है कि पहले जंप मारते ही मेरे वो सारे के सारे बंदे ना मर गए थे इससे पहले। ओ माय गॉड, ओके गाइस सो दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ मैन, ये पार्कोर रेस अगर मैंने पार कर दी ना तो मैं ही जीतूंगा, फिर कोई चांस नहीं मेरे हारने का। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, चक दे फट्टे स्मार्टी पाए, लेट्स गो। ओ माय गॉड व्हाट वाज दैट, ये पूरी गेम भाई लैग हुई है पूरी की पूरी गेम भाई, ये तो चीटिंग है यार कसम से, अगर मैं अभी मर जाता फिर क्या होता मेरा। बट कोई बात नहीं बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसा करते हैं मैं फटाफट इसको यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। भाई साहब ये बहुत ज्यादा लैग हो रहा है यहाँ पे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुम लोगों को बहुत ज्यादा लैग हो रही है, मैं फिर से बच गया एक और बारी। भाई साहब डर लग रहा है मेरे को अभी, टू बी ऑनेस्ट ये वाले जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है ब्रो, आर यू सीरियस? भाई मैं मरना नहीं चाहता बस यहाँ पे किसी भी हालत पे,
मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता, मैंने कर दिया पार। ओ माय गुडनेस डूड्स, यहाँ पे बटन वाला पार्कोर दिया हुआ है। ये रुको, यहाँ पे एक 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 लिमिटेड टाइम के लिए ऐसा रहने वाला है ब्रो। मेरे को ना यहाँ पे एक दो तीन चौथा वहां है, पांचवा यहाँ है, छठा वहां लास्ट में है, छह पार करने मेरे को। इनफैक्ट ज्यादा है, छह से भी नहीं, नहीं ओवरऑल छह भाई साहब। एंड इसमें मुझे टाइम लिमिट मिलने वाली यार वाली। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स रॉक, ओके, लेट्स रॉक, लेट्स रॉक, लेट्स रॉक, लेट्स रॉक, लेट्स रॉक, लेट्स रॉक, ओ यस, लेट्स गो, ओह माय गॉड, थैंक गॉड मैं नीचे नहीं गिरा। ओह भाई साहब, नीचे ना बहुत ही गंदे वाला वॉइड है ब्रो। एंड ओ आई गॉट इट ब्रोस, अब यहाँ पे मुझे सैंड वाला पार्को करना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ये मैं इजीली कर सकता हूँ यहाँ पे। इसकी मेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, इसको मैं ज्यादा टफ कंसीडर करता नहीं हूँ, बट स्टिल, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग नीचे गिरते हैं तो नीचे जमीन होते, बट यहाँ पे है वॉइड और सीधा मौत हो जाएगी। इसलिए बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे को डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है, बट मैंने पास्ट में इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी हुई है, तो आई गेस मेरे लिए इजी होना चाहिए। मैंने पहली जब यहाँ पे ना अभी ऑलमोस्ट बेवकूफी कर दी थी। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, इजी था मिले यार, इसमें तो कोई ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं था। यहाँ से ऊपर जाना है, ये भी इजी है ऑफ कोर्स। ओ माय गॉड, जरा फास्ट लगा था मॉल बॉब, यहाँ से तो मैं आगे छलांग मार के जाएगा भाई साहब। आई गेस ऑन, अरे हम लोग अपने आईलैंड के पास आ गए हैं। आई गेस ये वही वाला था जो मैंने इससे पहले देखा भी था। ओ ये वही वाला था। अब मुझे आई गेस यहाँ पर इन पांचों का काम, बिकॉज यहाँ पर पांच लैंटर्न्स दी हुई है। ये वाला तो बॉयज एंड गर्ल्स सबसे ज्यादा इजी होने वाला, ठीक है ना। यहाँ से आ गए, 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 यहाँ से नीचे गए। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है भाई? हेलो, या ओ ओ नो गाइस, ये तो यहाँ पे स्ट्रिंग दी हुई है, ग्रेटर सक्रिय स्ट्रिंग यहाँ से आगे तक जा रही है। इससे क्या करना होगा? इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या मुझे बैलेंस करके आगे जाना पड़ेगा क्या? है पूरी ऑल द वे आगे तक शायद से नहीं जा रही, आधे में रुक रही है, ये आधे में रुक रही है, मुझे वहां आगे ना इसका एंड दिख रहा है। कुछ बोज वगैरह भी बना सकते, बट उसके लिए एरोज नहीं है मेरे पास। कुछ तो कुछ तो हमको यहाँ पे क्राफ्ट करना है 100%। लीड, लीड तो बन नहीं सकती ऑफ कोर्स। आई गॉट इट, यहाँ देखो आठ बोट्स बनने वाली। एक सेकेंड रुको, डोंट टेल मी कि मेरे को यहाँ पे बोट क्लच करना पड़ेगा ब्रो। मैं समझ चुका हूँ गाइस, मैं तुम लोगों को बताता हूँ एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर क्या करना है। ये देखो यहाँ पे आठ बोट बनाई इसकी मैंने, ओके, एंड अब मेरे को बोट वाला क्लच करके यहाँ से आगे तक जाना है। ओ नीचे देखो वहां पे प्लेटफॉर्म खाली है वहां पे, एंड आई गेस जो स्ट्रिंग का एंड सामने आ रहा है ना, वहां से मुझे वहां लास्ट में नीचे बोट क्लच करना पड़ेगा ब्रो। This is going to be like the best moment of my parkour career. मतलब अगर मैंने इसको पार कर दिया, अगर मैंने नहीं किया गाइस तो मैं मर जाऊंगा नीचे, सीधा ही मर जाऊंगा मैं नीचे। ओ माई गॉड, एंड तुम लोग एक बात बोलूं, मैं वहां से यहाँ आते आते ऑलमोस्ट मुझे तीन साढ़े तीन से चार मिनट हो चुके हैं, बल्कि मैं तुम लोगों से बातें कर रहा हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही टाइम लग गया होगा मेरे को। एंड आई गेस वो जो तीसरा वाला प्लेयर था ना, वो यहाँ पर आके मरा है वो बंदा, वो सब इसने पार कर दिया था ये वाला। ओ माई गॉड, जय भगवान जी, मेरा साथ दीजिएगा प्लीज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई साहब, एंड वी आर सेफ, लेट्स गो। हम लोग वहीं पे वापस आ चुके हैं। वी हैव डन इट बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव डन इट, वी आर द चैंप्स बॉयज एंड गर्ल्स। हम लोगों को ये हरा ही नहीं सकता है भाई। मजा आ गया भाई, अगर तुम लोगों को मजा आया ना तो लाइक जरूर करना इस वीडियो पे, अभी आगे और भी धासु धासु वीडियोस हिमलैंड्स के आने वाली है। अब ऐसा करते हैं, लेट्स सी कि हमारा अगला स्टेज क्या होने वाला है इस पार्कोर रेस का। ओ माय गॉड, अब गाइस यहाँ से हमारा सेकंड स्टेज होगा ना, वो इतना ज्यादा टफ तो शायद से नहीं होगा, क्योंकि मेरे को ना स्टार्टिंग में उस बंदे ने बताया था पहला राउंड अगर भाई तूने पार कर दिया ना तो तू समझ जा कि उसके बाद इतना टफ नहीं होगा। बट स्टिल इसके बाद जो हमारे ग्रुप स्टेज होने वाले हैं गाइस, उसमें ज्यादा बंदे एक साथ लड़ने वाले, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं इस बंदे के पास जाता हूँ, एंड लेट्स सी। ओ ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे बातें कर रहे थे, मैं जरा से पूछ के आता हूँ ब्रो एक बारी। ओके भाई, देख मेरा पहला स्टेज पे पार हो गया, मुझे बताओ फटाफट कि आगे हम लोगों को क्या करना है। एक सेकंड भाई, ये मुझे यहाँ पे धक्के क्यों मार रहा है? साइड हो जा भाई, आई गेस ये बंदा भी कंटेस्टेंट है, मुझे धक्के आगे ही नहीं दे रहा है भाई। ये बंदा कितना अजीब है, निकल जा भाई यहाँ से तू फटाफट। ठीक है, इससे मैं फटाफट बात करके आता हूँ, बहुत अनोइंग बंदा यार जो भी है ब्लू कलर का। ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे इससे बात कर दी, और ये जो बंदा है ना गाइस, एक्चुअली इस वक्त गाइस हम लोग टॉप
2020 में आ चुके हैं। इतने सारे लोग मरे हैं ना उस पार्कोर में ना, जो अभी हम लोगों ने किया था इससे पहले, इतने सारे लोग मरे कि सिर्फ 20 बंदे बचे हैं। और जो 20 बंदे गए उसमें से 5-5 के 4 ग्रुप्स बने हुए, दिस मींस हर ग्रुप में से कोई एक बंदा जीतने वाला। और मेरे ग्रुप में एक ये वाला बंदा है ब्लू कलर का, एक ये लाल वाला बंदा है, एंड आई गेस दो बंदे और यहाँ पर थे, पता नहीं कहाँ गए। हाँ, एक ये ब्लू वाला और एक ये लाल वाला। तो हम 5 बंदे एक ग्रुप में और हम 5 में से कोई एक जीतने वाला। और ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है ब्रो, ये बंदा ना मुझे बार बार यहाँ पे धक्के मारे जा रहा है, अबे तू जाए यहाँ से। बेसिकली इस टाइम में बोला कि अब हम लोगों को पोर्टल के थ्रू अपने दूसरे वाली जगह पे जाना, तो आ जाओ भाई लोग सारे के सारे। यहाँ से ऊपर कहीं पर पोर्टल है, एंड इसने हमें बोला है कि हम लोगों को ना कहीं वो भी करना है कि अपने सारा का सारा सामान दिया। एग्जैक्टली ये वाला पोर्टल हमारे ग्रुप को दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोगों को अपना सारा का सारा सामान अंदर डालना। और मैं हूँ प्लेयर नंबर 3, मुझे सारा का सारा सामान अंदर डालना पड़ेगा, कोई भी चीज साथ में अलाउड नहीं है सिवाय आर्मर के। हम लोग सिर्फ आर्मर अपने साथ लेके जा सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर मुझे बोला था। ऑल राइट, तो मैंने अपना सारा का सारा सामान चेस्ट के अंदर डाल दिया है। एंड वो गाइस तुम लोग देखा यहाँ पर क्या हुआ, इस नीले वाले ने अपना सारा सामान अंदर नहीं डाला है, इसने अपनी नेदरराइट की स्वॉर्ड अपने पास रखी हुई है। ब्रो ये बंदा भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होने वाला है अगर ये पकड़ा गया ना भाई, कोई भी सामान सिवाय आर्मर के अलाउड नहीं है पहनना। इनफैक्ट इन लोगों ने आर्मर पहना भी नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ती है सेकंड रेस के लिए। कैसे भी काम करते हैं इन लोगों का, मैं फटाफट यहाँ से अंदर लेके जाता हूँ। और अंदर लेने के बाद ये बंदा सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर इन्वेंटरी वगैरह चेक होती है तो। चलो ठीक, अंदर लेके चलते, चलो गाइस सुनो गाइस अंदर चलते हैं। व्हाट, ये इसको मार दे रहे, ये अगर इसको पहले ही मार, अरे मत लड़ भाई क्या, वेट ये मर चुका है, चला गया बंदा। अरे वापस आ, वापस आ ब्रो, वापस आ, वापस आ, डर मत, डर मत, डर मत, आ जा भाई, डर मत। हेलो तुम दोनों क्या कर रहे हो, जल्दी आओ, वो बंदा ना चीटिंग कर रहा है। तुम लोग एक सेकंड रुको, मेरे को गाइस अभी यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए इसको लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज अगर अंदर उसने हमारे पे हमला किया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। मैं एक काम करता हूँ, इस शॉट को मैं छुपा के रखता हूँ खुद भी, ठीक है ना, बिकॉज अगर वो बंदा अंदर शॉट लेके जा रहा था उसको पता है कि शायद से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। चलो भाई लोग अंदर चलो, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते, आ जाओ, आ जाओ सारे साथ, आ जाओ मेरे कमांड डूड्स। ओह माय गॉड, ये कितना ज़रा अजीब, ये कौन से मैप है भाई, हेलो, ओ आई गॉट इट। हम लोगों को यहाँ आगे से स्टार्ट करना है जहाँ पर वो बंदा ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, और वहां से हम लोगों को ऊपर जाना है गाइस टॉप में, जो सबसे पहले पहुंचेगा गाइस वो हमारे इस ग्रुप में जीत जाएगा। तो तुम लोग एकदम ध्यान से रहना, सुनो मेरी बात, तुम दोनों मेरी बात सुनो, इसने एक बंदे को ऑलरेडी मार दिया है, तो कंपटीशन खत्म करने के लिए ये बंदा किसी भी हद तक कर सकता है, तो कृपया करके इससे इसके ज्यादा नजदीक जाना मत, ठीक है ना, आ जाओ अब यहाँ से आगे के लिए चलते हैं। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोगों ने पार्कोर के लिए स्टार्ट करनी है। अब इंस्ट्रक्शंस देंगे लोग हमको कि कब जैसे स्टार्ट करनी है, और पता नहीं कब जैसे यार ये बंदे हम लोगों को ना बोलने वाले यहाँ पे। वो व्हाट, मार दिया इसने एक और बंदे को क्या, ओ नहीं वो बंदा पीछे स्पॉन हो गया यार, ये बहुत चीटर है भाई ये बंदा, ये गाइस जीतने के लिए कुछ भी करेगा। अब देखो बीच से मुझे मार रहा है, मैं सभी पंगे तो लूंगा नहीं, और इसको ना फिलहाल को पता नहीं है कि मैं भी यहाँ पर अपनी नेदरराइट की स्वॉर्ड लेकर आ चुका हूँ। तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अभी जैसे यहाँ पर कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा ना, इसको किसी भाला में जीतने नहीं देना मैंने। एंड भाई अभी लोग मेरी आवाज अभी सुन नहीं सकते, देखो डर रहा है वाला लाल वाला से। ओके काउंटर आ गया, 3-2-1 लेट्स गो, आई गेस यहाँ से जाना हम लोगों को, सबसे आगे तो मैं ही जाऊंगा, सबसे आगे तो मैं ही जाऊंगा, सबसे आगे तो मैं ही जाऊंगा यहाँ से आई गेस। ओ नो मैंने गलत कर दिया, ओके फिर से जाएंगे ऊपर, चलो कोई बात नहीं बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे आगे फिलहाल को हम ही है यहाँ पे, यहाँ से जाएंगे ऊपर। ओके इसने यहाँ पर पार करना स्टार्ट भी कर दिया है, सबसे आगे मैं हूँ, तुम लोग आ जाओ मैं इसको नीचे कराऊंगा, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, मैं इस बंदे को नीचे कराने वाला हूँ, कमॉन डूड्स। हाँ शाबाश, आ जा मेरे बेटे, इसको नीचे कर, नीचे गिर गया, शाबाश आ जाओ, आ जाओ जल्दी 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 जल्दी, शाबाश तू भी आ जल्दी जल्दी, ये नहीं आ पा रहे, कमॉन कमॉन कमॉन, मैं नीचे गिर गया, तुम दोनों आगे जाओ जल्दी जल्दी, मैं एक्चुअली गाइस पीछे गिर गया था, ओह माय गॉड, आ जा मेरे पीछे, अरे नहीं 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 नहीं, ये बंदा वहां पे छुप के पक्का मेरा वेट कर रहा होगा, कर रहा है नहीं, आगे चला गया शायद से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ओह ये मुझे नीचे गिरा रहा था, चलो 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 चलो, प्रेशर प्लेट पे क्लिक करेंगे ताकि चेक पॉइंट मिल जाए, एंड यहां से आगे बस अपने को यूं जाना है, यूं जाना है, यूं जाना है, और यहां से आगे जाना है, इसको नीचे करो, इसको नीचे करो, आते तू आ जा, तू आ जा पकौड़े आ जा, भाई मैं पीछे नहीं जाऊंगा, पीछे गिरने की जगह ही नहीं है, अरे भाई इसने नीचे गिरा दिया, मैं इसको आगे आने नहीं दूंगा, मेरे को बाकी के दो बंदों को गाइस किसी भी हालत पे कैरी करना है, आ जा शाबाश 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 शाबाश, दूसरे बंदे तू भी आ जा, अरे नाइस आ जाओ आ जाओ आगे जाओ आगे जाओ, इस बंदे से आगे निकलते हैं, ओ भाई आगे बंदा, जल्दी 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 गाइस जल्दी जल्दी गाइस, इसको पीछे, ओ माय गॉडनेस रोड ब्रूस, अभी रुको रुको रुको, ज्यादा आगे मत जाओ, ज्यादा आगे मत जाओ, ज्यादा आगे मत जाओ, ये बंदा ना अभी हम लोग यहां से नीचे गिराएगा, ये नीचे गिर के क्या बेवकूफ है,
तेरे को किसने बोला है भाई मेरे, आराम आराम से गाइस मरना मत प्लीज। गाइस ये सिर्फ जीतना नहीं चाहता है, ये हम लोगों को ना मार के जीतना चाहता है। इसकी ऐसी की तैसी, मैं आगे जाऊंगा, आजा आधा पकौड़े। भाई ये बहुत डेंजर बंदा, ये देखो वहीं पे रुका हुआ है अभी, रुक जा लाली, मरिए मत प्लीज ब्रो। यार गाइस एक्चुअली ना ये अलाउड नहीं, आप इसको लावा के बीच मारेंगे हम लोग, लावा के बीच मारेंगे इसको हम लोग। चल चल चल, ओके ये बंदा आगे पहुंच चुका है, और यहाँ पे ना ये गैस, हम लोग यहाँ पे मरते नहीं है किसी भी चीज से, दिस इज नाइस। और पीछे रुको, रुको इसको मारना पड़ेगा इसको, आ जाओ गाइस हम तीन बंदे अकेला है, इसको मारो इसको। आई गेस यहाँ पे ना भी पीसफुल में है ये, तभी हम लोग जल भी नहीं रहे यहाँ पे, दैट्स व्हाई। ओके आ जा, सबसे आगे चलेंगे हम लोग अभी यहाँ से यहाँ। ओ नो मैं गलत कर दिया, चल 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 चल, मैं फिर से नीचे गिर चुका हूँ। कमान गाइस कमान गाइस कमान, आराम से खेला। अरे आगे दे रहा है हमको ये, वेट आगे जा आगे जा, शाबाश वो लीड में चला गया हमारा बंदा, हमारा बंदा एक लीड में आ चुका। तू आजा पकड़े इसको, मेरे को कहीं धक्का देना पड़ेगा, तू नीचे चल, आजा 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 आजा। मैं नीचे गिर गया भाई साहब, ये बंदा गाइस सिर्फ जीतना ही नहीं चाहता है, हमको हरा के जीतना चाहता है। देखो मैं भी पीछे हूं यहां पे, कमान डूड अभी मेरे को देखो आगे जाना पड़ेगा, वो जो इकलौता बंदा है ना उसके मार मूर देगा कहीं ना कहीं। आजा जल्दी जल्दी आजा, यहां से आगे यहां से आगे। अरे देखो हम लोग मरते तो है नहीं है, बट ये लावा के पीछे अगर गिरे गए तो हमारी सिर्फ स्लो स्पीड हो जाती है। अरे पीछे था भाई ये बंदा, वो तुझसे आगे निकल भी गया, तू कर क्या रहा है लाली है। अब यहां से हम लोग जाएंगे आगे, पता नहीं कहां। ओ माय गॉड रुक, यहां पे हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं ब्रो, बहुत सारा जी बंदा ये, पकड़े आजा 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 चलो फटाफट चलते। अरे मैं नीचे गिर गया फिर से, आजा जाओ तो जाओ गाइस, तुम लोग आगे जाओ, इसको आगे इंदू गाने, इसको आगे इंदू गाने, तुम लोग जाओगे इसको आगे इंदू गाने अभी, आजा पकड़े आजा। मैं नीचे गिर गया, इसने मुझे नीचे ही गिरा दिया भाई, कितना तेज है बंदा। चलो यहाँ से आगे, यहाँ से ऊपर। ओ ना 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 ना, अरे भाई मेरे ये तो नूब है भाई, हमारा एक बंदा ये हमको ना भाई ये हमको आगे नहीं लगा ऐसे करके। यार ये बंदा गाइस चीटिंग कर रहा है। एक्चुअली गाइस इस कंपटीशन में ये चीजें अलाउड नहीं है, एक दूसरे को सैबोटेज करना, इसमें सिर्फ रेस करनी है, कौन सबसे पहले आगे पहुंचेगा, सिर्फ वो मायने रखता है इस सेकंड रेस के अंदर। और अब ये बंदा पता नहीं कहां पहुंच, ऊपर चला गया ये बंदा। चलो कोई बात नहीं, यहां से आगे चल। हमारा एक और बंदा आई गेस सबसे आगे पहुंच चुका, लाल वाला बंदा, विच इज गुड आई थिंक, अभी मजा आएगा। क्या कर रहा है ये, कहां ये, ओ वहां पे वेट कर रहा था ब्रो ये बंदा, ना कसम से मार खाएगा मेरे हाथ से। वेट हमारा एक बंदा कहां पर है, जाके जा तू आगे जा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, कितना देर कर रहा है वो बंदे ने, बहुत ज्यादा लीड ले ली भाई साहब। यहाँ पे इसको दबाएंगे, शाबाश यहाँ से आगे जाएंगे, और ये इसको पार नहीं कर पा रहा। अरे भाई मेरा रुक जा, यहाँ से आगे यहाँ से यूं करके, अरे शिट मैं भी नहीं कर पाया इसको पार एक बारी में। अब यहाँ से आएंगे आगे, ठीक है। अरे नो ना, इसको मैं नीचे करा दूं, रुक तेरी पकौड़े, तू ऐसे नहीं मानेगा, इसको मैं गाइस नीचे कराने वाला अभी किसी भी हालत में। ये इसने लीड ले ली, इसने लीड ले ली गाइस, कमान इसको आगे मत जाने दो, इसको आगे मत जाने दो किसी भी हालत में। अब तो भाई मेरा और दिमाग खराब है यहाँ पे, कसम से आई एम नॉट इवन जोकिंग ब्रोस, अभी भी आगे हमारा वेट करा ब्रो, ये लास्ट स्टेज पे आके हमको ना आगे नहीं देगा जाने, बिकॉज क्यों फीलिंग आ रही है बार बार यहाँ से यहाँ जानता बाय द वे। एंड आई गेस आई एम इन द लीड, आई एम इन द लीड, लेट्स गो। यहाँ से जाएंगे ऊपर, और अब मैं इसको नीचे गिराऊंगा सबसे पहले। अच्छा अच्छा आजा पकौड़े, यस नीचे गिरे हैं बता। ओह माय गॉड, अरे अभी हम लोग सबसे आगे, अभी हम लोग सबसे आगे, कमान जल्दी हो गाइस जल्दी हो गाइस, मेरे को इन तीन बंदों को आगे लेके जाना है। एंड गाइस सुनो मेरी बात, हम तीन बंदे लास्ट स्टेज को पूरे ईमानदारी के साथ खेलने वाले, ठीक है ना। इस एक बंदे का वेट कर रहा हूं मैं, और वो सबसे उसमें है, लाइक सेकंड लास्ट नंबर पे चल रहा है वो। जल्दी 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 जल्दी, कमान 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 कमान, इसको नीचे कराने की जरूरत है। तू आगे जा, तू आगे जा, तू आगे जा, इसको अभी यहां देते हैं, इसको मैं बताता हूं यहां पे, इसको नीचे कराऊंगा अभी यहां पे किसी वाला। ओके अरे नीचे ही जा रहा था हमको भाई, मैंने उसके नीचे ही धक्का दे दिया, कोई बात नहीं। कमन 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 कमन, यहाँ से आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, कमन। एंड अरे भाई धक्का दे दिया इसने फिर से मेरे को। ओह माय गॉड, तलवार निकाल दी इसने, गाइस सेफ रहना, ये बंदे तलवार दे। वेट मैं निकल रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, मैं यहां पे। वेट अ सेकंड, इसको मार रही है ब्रो, हमें इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तेरी पकौड़े, रुक जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा लाली, भाग जा लाली, भाग जा, ये तो मार के रहेगा अभी यहां पे, नहीं तो इसको मार दिया। वहां पे रिस्पॉन भी नहीं हुआ बंदा अपने चेक पॉइंट पे, दिस मींस वो हो चुका है यहाँ पर अभी डिस्क्वालीफाई। चल 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 आगे चल, आगे चल, आगे चल, अभी सिर्फ इतने ही बंदे बचे यहाँ पे, इसने दो बंदों का एलिमिनेट कर दिया, मैं छलांग ही नहीं मार पा रहा हूँ। यस 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 यस, और गाइस मैं अभी इसको यहाँ पे अपनी तलवार दिखाऊंगा भी नहीं। आजा आजा, मैं तो नेदरराइट कार में पहना बैठा, तू मेरे को मार के दिखा। ओ गाइस यही पर कहीं पर छुपा हुआ, लिटरली बड़ा छुपा है, देखो ये बंदा ना गाइस के पानी पार नहीं हो रहा, इसलिए बंदा मुझे मारने की ट्राई कर रहा है, देखो कितना चालू है ये बंदा। चला नो, ये बहुत तेज, रुक आजा 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 आजा, आगे चल आगे चल आगे चल आगे चल। ओह नो नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पाएगा।
ओए तू मेरा वेट मत कर, तू जा आगे, लास्ट स्टेज है, मेरा वेट करियो। ब्रो तू मुझे रोकते रहे, एक बंदा मेरा आगे निकल चुका ऑलरेडी, समझा ना, तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो पार्कोर रेस जीत जाएगा, तू ऐसे भी हार जाएगा, फिर वो जीत जाएगा मेरे बेटे पार्कोर चैंपियनशिप, तू पीछे रह जाएगा फिर, तब किसी काम का नहीं तेरी। ब्रो उल्टा गया है बंदा, सीरियसली, अरे मैं नहीं कर पा रहा उसको पार अब। अरे भाई बहुत ज्यादा इजी है, यूं करके गए और यहाँ चलते हैं नीचे के लिए, मेरे को इस पार्कोर रेस को भी कंप्लीट करना भाई, किसी भी हालत में जल्दी जल्दी चल, पता नहीं कहाँ पर है भाई, लोग बहुत ज्यादा लीड ले चुके हैं, अब मैं साइड में टक रहा हूँ, कमॉन 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 कमॉन, यहाँ जाएंगे उधर, नहीं कैसे यहाँ से हम लोगों को नीचे जाना है। ओ यहाँ पर एक मेज है, ऑल राइट, इस मेज के अंदर अपने को राइट जगह ढूंढनी पड़ेगी ब्रो, ऐसी जगह पे फंसना जरूर था क्या, कहाँ पर है का? वेट, वेट, ओ, ओ, उस बंदे ने अपना वो पहन लिया, सारे ये मार रहा है, मेरे को लग ही रहा था, मेरे को ना आवाज सुनाई दे रही थी एक्चुअली, मैं मारूंगा इसको। अरे इन दोनों बंदरों ने डायमंड निकाल दिया आखिरकार, अगर वो लाल वाला भी निकाल देता ना तो वो बच जाता, क्योंकि दो स्वॉर्ड मरा, आजा आजा बेटा। हालांकि गाइस तुम लोगों को पता भी है यहाँ पर क्यों तलवार से खुलम खुलम मारने की ट्राई कर रहा है, बिकॉज मेज के अंदर यहाँ पर वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, लाइक सीसीटीवी कैमरास वगैरह नहीं है, तो वो लोग देख नहीं सकते, इसलिए मैं भी उसको यहाँ पर मारूंगा। ओ ये बंदा खाना खा रहा है ब्रू, खाना खाने का मतलब भाई हम लोग इसको मार ही नहीं पाएंगे, ये बंदा तो बहुत चीटिंग कर रहा है। वेट मेरे को ना यहाँ पे इस मेज का एंड ढूंढना ही पड़ेगा। अरे कहाँ पर है भाई साहब, मेरे को नहीं, और मेरे को क्या पापा, इधर 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 सामने सामने सामने, अरे भाई लेट हो रही है यार, इधर आ सामने, कम ऑन यहाँ पर बटन आ जा, इसको दबा के आई गेस हम लोग आगे पहुंच चुके हैं। या अरे भाई कितना चीटर है ये बंदा, तोड़ इसको, नीचे वाले को तोड़ जल्दी, नीचे वाले को तोड़ ब्रू, बंदा नीचे गिर गया था गलती से, कम ऑन इसको तोड़, आया तूने छोड़ा कहीं को इसको भाई, मेरे लेट कर रहा है, यहाँ से इधर को आ जाएंगे, यहाँ से आ ना, मैं नीचे गिर गया, इनफैक्ट मैं उसको अभी कंप्लीट कर सकता रहा, कम ऑन डूड अभी भी हमारा वेट कर रहा ऊपर बंदा। चलो एक चीज अच्छे इस बंदे की, ये पार्कोर को कंप्लीट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये हमको नीचे गिराने की, ओ माय गॉड हमारे बंदे को इसे नीचे ऑलरेडी गिरा भी दिया है। बेटा ऐसा है ना आ ना, नहीं मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं पीछे जा रहा हूँ ब्रो, कसम से ये बंदा ना मेरे हाथ से बहुत ज्यादा मार खाने वाला है अभी, कसम से अभी नीचे गिराऊंगा इसको मैं, अगर मैं इसको नीचे गिरा पाया तो मैं नीचे गिर गया, मैं नूबू यार, क्या इसने पार कर दिया था, ये एक्चुअली अच्छा खेलता पार, टफ है वाली जंप ब्रो मेरे भाई, तू जाइए उसके पीछे पीछे ठीक है ना, और इसको या तो नीचे गिरा दे या तो फिर आई गेस मैंने यहां से कर सकता उसको पार। ओ व्हाट द हेक डूड, दैट वाज सो ब्रूटल, मैं ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट करने वाला था, इसने मुझे नीचे गिरा दिया हवा में ही, यार ये बंदा बहुत बड़ा चीटर है। ओके अभी ये हमारा बंदा है कि दूसरा, नहीं हमारा बंदा नहीं, ये तो वो वाला बंदा है ब्रो, तू जा आगे जा, इसको नीचे गिराइए, अगर तू गिरा पाएगा तो मैं आ रहा हूं अभी ब्रो, ये अभी तक ऊपर ही है ब्रो, सुन अभी सामने मत जाइए, इसको धक्का मार देना यार, अगर ये आ जाता ना भाई साहब तो कितना ही बढ़िया होता, मैंने भी इसको पार कर दिया फाइनली, एंड अब यहाँ से आएंगे आगे, एक तो इसने यहाँ पे चीटिंग करके भाई मेरा दिमाग खराब कर दिया, कसम से मजाक नहीं कर रहा मैं, यहाँ जाएंगे आगे एंड अच्छा ये बंदा आगे हमारा वेट कर, रुक जा अभी पेड़ के ऊपर मैं जाइए गलती से भी, क्या हम लोगों को पेड़ पर ही जाना है या हम लोगों को वहां पर डायरेक्ट छलांग मारनी है, वैसे तो मैं वहां से डायरेक्ट वहां छलांग मार सकता हूँ शायद, पर मुझे लगता नहीं कि लगेगी वो, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को पेड़ पर तो जाना ही पड़ेगा भाई। यार तू पार्कोर कंप्लीट करने की ट्राई कर लेगा, हमें गिराने की कोशिश कर रहा है तब से लेकर, मैं नीचे गिर गया भाई, तो अभी छलांग मत मारियो, हमारी लीड यहाँ पे ना गायब हो जाएगी, नहीं तो ये बंदा बहुत सारा अजीब है यार, मेरा सच्ची में घोबड़ा खराब हो चुका है यहाँ पे, हमको आगे आने नहीं दे रहा है बंदा, एकदम दबंगों की तरह सामने खड़ा है, और मे भी मैं यहाँ पर अगर छलांग मार दूं और मैं उस स्लाइम के थ्रू आगे पहुंच जाऊँ ना जल्दी, तो शायद से हो सकता है यार, पर यार ये बंदा अगर जाएगा तभी होगा ना भाई, ये तो यार ओ ओके इसने पार कर दिया वाला, अब हम लोग यहाँ से आगे जा सकते हैं ब्रो, आजा शाबाश, और हम लोगों को ना अपने हाथ में तलवार नहीं रखनी पड़ेगी, जैसे इसने तलवार हाथ पे रखी हुई है ना तो दिक्कत हो जाएगी। तेरी पकौड़े इधर सामने आ मेरे, तब बताता मैं तेरे को। ओके आई थिंक गाइस मुझे भी ट्राई करना चाहिए ना, मेरे को ऊपर आने नहीं देगा, नीचे गिरा देगा तो पूरा सबको फिर से करना पड़ेगा मेरे को, देखी जाएगी अभी। आजा नहीं जा रहा है तू भी आजा, कम ऑन कर सकता तू, व्हाट ब्रो इसने तो शॉर्टकट ही मार दिया भाई, आया सके तो बात है, ओ नो रुक जा पीछे भाई, पीछे रहे। ये ना कितना चीट, अगर मैं गाइस यहाँ से नीचे गिरा तो मैं शायद से फर्स्ट स्टेज पे आ जाऊंगा फिर से वापस। ओके भाई मैं आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, ओ वापस आ रहे पीछे रहे। ये मैं डर क्यों रहा हूं इस बंदे से, मैं डर क्यों रहा हूं, आजा पकौड़े, ओ मैं फिर से कर रहा हूं इसको, कोई बात नहीं, अब देखो भाई मैं बहुत ज्यादा पीछे आ चुका हूं, ब्रोस मेरी बात सुन, बेटे मेरे दोस्त जो भी है भाई, तेरा नाम प्लेयर नंबर 2 या 3 जो भी था तू भाई,
कृपया करके ना लीड हासिल कर ले, जा आगे जा, इसको नीचे गिराने की कोशिश कर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पे अभी, इसने मुझे बहुत ज्यादा पीछे गिरा दिया है सीरियसली मैन। अब मैं ना गाइस यहाँ पे पैनिक मोड में आ चुका हूँ कसम से। उसका जो मकसद था उसने वो पूरा कर ही दिया आखिरकार मुझे पीछे गिराने का। चलो 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 फटाफट चलो फटाफट चलो फटाफट चलो, ये पार्कोर रेस ना मेरे हाथ से जा रही है धीरे धीरे करके। अगला चेक पॉइंट हो चुका है, कम ऑन यहाँ जाएंगे, यहाँ पे यहाँ जाएंगे आगे। ओए लड़ाई हो रही है इनके बीच में आगे। ओके मैं भी आगे, मैं भी आगे, मैं भी आगे। नाइस नाइस, अभी तक बंदा पीछे है। कमान 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 कमान, हम लोग बहुत ज्यादा। अरे शाबाश, मेरा बंदा बहुत लीड में आ चुका है अभी। ये बंदा कहीं, ये बंदा बहुत ज्यादा आगे, अभी भी हमारा वेट कर रहा है आगे। तुम लोग देख रहे हो ये बंदा मुझसे आगे निकल सकता है, बट नहीं, इसको मेक श्योर करना है कि कोई बंदा पीछे से भी ना आ जाए गलती से भी। ओके मैं नीचे गिर जाऊंगा अभी, मैं दूर रहूंगा इसे थोड़ा सा, मैं थोड़ा दूर रहूंगा। चल आगे, चल आगे, चल आगे, शाबाश शाबाश। यस मैं अभी नीचे गिर गया, मैं खुश क्यों हुआ अभी, मैं खुश क्यों हुआ अभी। कमन 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 कमन, मेरा बंदा सबसे आगे। ओके मेरा बंदा सबसे आगे, मेरी बात सुन, ये तेरे नजदीक आ गया, उसको नीचे गिराइयो, तू खुद नीचे मत गिरियो किसी भी हालत में, ठीक है ना। शाबाश, नीचे गिराने की कोशिश, हाँ पीछे रहियो, तू तेरे को नीचे नहीं गिरना किसी भी हालत में ब्रो। मैं बस आ रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ, इसको दोनों जगह से घेर देते हम लोग, दोनों जगह से घेर देते। अब बोल बेटे, अब बोल बेटे। अरे भाई नहीं यार, नहीं क्या है ये बता कसम से, जल्दी जल्दी आ, ये भी मेरा वेट कर रहा है। ऐसी की तैसी, अब बोल बेटे हैं। वैसे मैं भी छलांग मार के इसको नीचे धक्का दे सकता हूँ, बट अरे मैंने थोड़ा लेट कर दिया बोलने में। ओके आप देखो, हाँ इसको नीचे करा, वहीं से नीचे करा इसको, वहीं से नीचे करा इसको, यस वहीं से नीचे करा इसको, शाबाश। अभी ये बंदा पक्का यहाँ से नीचे गिरेगा, गिरा दे। अरे भाई ये किसी काम का नहीं है भाई, ये बंदा ये किसी काम का नहीं है। अब अगर मैं उस प्लेटफॉर्म पे गया तो ये मुझे नीचे गिरा देगा 100%। मुझे ना इसको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे खत्म होने के लिए। वेट गाइस, मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं पोर्टल मुकेश। ओह माय गॉड गाइस, पोर्टल ना आसपास कहीं मुंह के सामने है। चलो 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 चलो, सामने देखो, हम लोग हारने वाले हैं मैच। अरे भाई ये चला गया पहले। नो वेस नो वेस नो वेस नो वेस नो वेस नो वेस, ये मुझे पहले पहुंच जाएगा, ये मुझे पहले, इसको जगह ही नहीं, इसको रास्ता नहीं मिल रहा। वेट इस पोर्टल को तो हम लोग जाएंगे कैसे, यहाँ देखो यार डेढ़ ब्लॉक की हाइट है, यहाँ से छलांग लग ही नहीं सकती है। मेरे भाई मेरी बात सुन, ओए बेटे नीलिए देख, ना मैं आगे जा पाऊंगा ना तू आगे जा पाएगा, और ये बंदा भी ट्राई करके ऑलमोस्ट आने वाला है। मेरी बात सुन, लंडा जगाना छोड़, रास्ता ढूंढते अंदर जाने का, ठीक है ना भाई। नहीं बोल रहा है कि हाँ बोल रहा है, जल्दी तू सामने आ जरा, तू जल्दी जल्दी आ जा, इसको मारेंगे मैं और तू एक साथ मिलके। जल्दी 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 शाबाश, जल्दी आ प्लीज। ये कितना नूब है भाई मेरे यार, हम लोग 1v2 कर सकते थे अभी यहाँ पे। ब्रो इसके अंदर जाने का रास्ता बैक साइड से है, लिटरली मुझे इसे सुन लिया। ओ नो, मुझे लगा कि मुझे नहीं सुन सकता ये बंदा, मैं जाऊंगा अंदर पहले, मैं और साथ पहुंच रही है। व्हाट वेट, पहले कौन पहुंचा, टाइम पर नीचे लिखा हुआ है एग्जैक्ट सेम टाइम पे मैं और पहुंचे यहाँ पे। ओवरऑल 35 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स दोनों का टाइमर है ब्रो। व्हाट द हेक इज दिस, बॉयज एंड गर्ल्स मैं और ये बंदा एकदम सेम टाइम पे उस रेस को खत्म करके आए हैं, और हम में से कोई एक ही बंदा आगे जा सकता है। हुआ क्या ये भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा अभी तक, ये बहुत ज्यादा वियर्ड नहीं है ये चीज, है कि नहीं है। एंड ओ कितना तेज है, अपने हाथ से ना अपना तलवार को पहले अंदर रख रहा ताकि पता ना चले उन लोगों को, ये बंदा बहुत ही ज्यादा तेज है भाई। एंड अभी आई हैव नो आइडिया कि अभी एग्जैक्टली यहाँ पे होगा क्या, कि किस क्राइटेरिया से ये हम दोनों को आगे लेके जाने वाले हैं। मैं नीचे गिर गया गलती से बाय द वे, ये चीज डिसाइड कैसे होगी कि कौन बंदा सबसे पहले आगे जाएगा। तो आई गेस हम लोगों को उस बंदे से बात करनी पड़ेगी ना, जो वो बंदा था जो ऑर्गेनाइजर टाइप बंदा था, मैं उससे बात करके आता फटाफट गाइस। यहाँ पर है बंदा मुझे सामने, इससे मैं बात करके आता फटाफट। ऑल राइट गाइस, तो इससे मैंने यहाँ पर बात कर दी है। एंड अब देखो ये ना बहुत बड़ा चतरा है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसके सामने अपनी मुंडियां झुकाया जा रहा है। मेरे भाई ये ऑर्गेनाइजर नहीं है, ये सिर्फ टिकट काउंटर वाला बंदा है जिसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पता है। तू इसकी जितनी मर्जी चाट ले, ये तुझे जिताएगा नहीं, समझा। तो गाइस इसने मुझे बताया कि हम दोनों यहाँ पर जो सेम टाइम पर आए हैं ना, सिर्फ एक ही बंदा आगे जा सकता है, एक ही बंदा फाइनल रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड अगर हमें वहां तक पहुंचते हैं तो उसके लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा मेरे को और इसको, एंड जो बंदा उस टेस्ट को कंप्लीट करेगा वही फाइनल पार्कोर रेस में पहुंचने वाला है। तो भाई क्या तू तैयार है, चल आ जा। इसने मेरे को बोला है कि हम लोगों को सेम पोर्टल का इस्तेमाल करना है, अभी उस पोर्टल को ये लोग थोड़ी देर के अंदर ना सेट करने वाले दूसरी लोकेशन के लिए, बिकॉज ये जो चीज हुई ना टाई ब्रेकर फर्स्ट टाइम पे इनकी हिस्ट्री में पार्कोर रेस की, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं, कोई एक ही बंदा आगे निकलता है हमेशा ही, बट फर्स्ट टाइम पे दो बंदे एक साथ पहुंचे। तो आई गेस थोड़ी देर तक वेट करते हैं यार। Much, much, much later. All right, guys, तो हम लोग उस दूसरे वाली जगह पे आ चुके जहाँ पे हमारा 1v1 होने वाला है इस बंदे के साथ। ओए मेरी, वेट, वेयर इज माय आर्मर? भाई साहब इस कंपटीशन के लिए लोगों ने हमारा आर्मर ऑटोमेटिकली हमारे इन्वेंटरी से हटा दिया है, और यहाँ से हम लोगों का फर्स्ट पार्ट। उसने मुझे बोला था कि कहीं पे एक बटन दबाना है हमको, बटन वो रहा ऊपर बटन। ब्रो ये पूरा का पूरा लैडर पार्कोर है,
पूरा का पूरा लैडर पार्कोर करना है इस बंदे के खिलाफ मेरे को 1v1। ओए मेरे पास बता, ये मेरी साइड है, मैं राइट साइड चूज करता हूँ। ओके नीचे लिख के आ रहा है चूज वन साइड, यस राइट साइड इज माय साइड, मैं राइट वाली चूज करने वाला हूँ और ये बंदा ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड चूज करेगा। तो हम लोगों को ये सब कुछ ऑब्स्टेकल पार करके उस बटन को दबाना, जो सबसे पहले दबाएगा वो यहाँ से अगले चरम में पहुंच जाएगा। एंड गाइस जो मेरे वश में से जीतेगा ना वो लिटरली टॉप 4 में आ जाने वाला है, टॉप 4 में। ओह माय गॉड दिस इज सो एक्साइटिंग, बट एट द सेम टाइम बहुत दिल में धक-धक हो रही है मेरे को। तो अभी यहाँ पे गाइस आई गेस कभी यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट, ओ काउंटडाउन स्टार्ट होगा। नीचे देखो गाइस तुम लोगों को दिख रहा होगा 6 5 4 3 2 1 लेट्स गो। और गाइस हमारी पार्क यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। एंड ओ ये कितना चालू बंदा है, मेरे दिमाग में गाइस एक आइडिया था कि अगर ये मुझसे पहले यहाँ पे कदम रखेगा तो इसको नीचे नॉक बैक मार दूंगा, पर ये बंदा भी वहां पे रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि मुझे यहाँ पे नीचे गिरा दे। एंड गाइस तुम लोगों को पता है हेमलैंड्स की पार्कोर चैंपियनशिप हो रही है, ये जो भी बंदा यहाँ पे लावा के बीच गिर के मरेगा वो पीछे रिस्पॉन नहीं होगा, वो मर जाएगा इस वर्ल्ड के अंदर से। दैट्स व्हाई इस पार्कोर, वेट इसके पास ना कुछ तो है भाई, बाय गॉड मुझे कुछ तो दिखा इसके हाथ में। मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि दैट्स व्हाई इस पार्कोर चैंपियनशिप में 100-150 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, हजारों की तादाद में नहीं करते, क्योंकि जो मरेगा वो सीधा मर जाएगा इस वर्ल्ड के अंदर से। एंड गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं चुपचाप से ना स्नीक करके छलांग मार दूँ। ये पहले आ गई यार, मेरे को आ रहा था इसको नीचे गिराता हूँ। तेरी पकड़े इधर, अभी ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाला था, बाय गॉड इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, अभी कसम से इसको छोड़ूंगा नहीं। आजा व्हाट, नो वे डूड, ये मुझसे आगे निकल जाएगा, मेरे को बस मरना नहीं है लावा के बीच में किसी हालत में। मुझसे आगे इसके पास वो कौन सी शक्ति, व्हाट द हेक इज दिस डूड, इससे मुझे नॉक बैक मारा, आई स्वेयर टू गॉड ये मुझसे ना आगे पहुंच गया। गाइस लेट्स गो, यहां से नीचे यहां से ऊपर आ जाओ जी। यार ये बंदा ना बहुत ही ज्यादा ईविल है, टू बी ऑनेस्ट डूड्स मेरे को जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले कि ये बंदा मुझसे पहले कंप्लीट कर ले। देखो ये भी वहीं पर पहुंच गया है जहां पर एग्जैक्टली मैं पहुंचा हुआ हूं। भाई मेरे को इससे पहले करना है, किसी भी हालत में यहां से जाएंगे नीचे के लिए। एंड ओ माय गॉड अब जो बंदा इसमें सबसे पहले कदम रखे ये ना मुझसे पहले आ जाता है, अगर मैं वहां पे गया होता ना तो मैं इसको, ओ नो ये बंदा मेरे को यहां पे नॉक बैक मार देगा नीचे। भाई साहब मैं जो अभी बचा हूं ना गाइस कसम से अगर इससे मुझे वहां पे टच कर दिया तो मैं नीचे गिर जाता, और अगर मैं नीचे गिर जाता तो ये बंदा जी जाता, मेरे को 3 से 4 सीढ़ियां बची सिर्फ और सिर्फ। ब्रो मेरे को ना इस बंदे को ना किसी भी हालत में नीचे गिराना पड़ेगा, क्योंकि ये चीटिंग करेगा तो मैं, नो वे, आजा मेरे बेटे, यस मैंने इसको नीचे गिरा दिया, अब मैं यहां से आगे, नो व्हाट द हेक ये मैंने क्या किया। ओके अब हम लोग को पूरा का पार्क को फिर से करना पड़ेगा। ब्रो ये मैंने किया क्या अभी मैं वहां पे जीत सकता था। जल्दी चल कम ऑन स्मार्टी लेट्स गो, ये बंदा मेरे साथ साथ आ चुका है यहाँ पे। अरे नहीं मैंने मिस कर दिया एक शॉट, लेट्स गो मैं बच गया, मेरे को सीढ़ियों ने बचा दिया। भाई साहब मुझे बचा दिया इसने लावा ने, अभी नहीं सीढ़ियों ने, और ये बंदा मुझसे आगे ने यहाँ पे लीड ले रहेगा। सीरियसली बता रहा हूँ तुम लोगों को यार, ये बंदा क्या करा, अभी भी आराम आराम से खेल रहा है, और ये बंदा ये एक ले लेगा। प्लीज नीचे गिर जा यस नीचे गिर गया बंदा। ब्रो मेरी काली नजर अब मैं यहाँ पे जी सकता हूँ, इजिली जी सकता हूँ मैं। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ से जाएंगे ऐसे करके, लेट्स गो। और गाइस अभी मैं नीचे गिर गया हूँ, मैंने यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस के मारे एक बहुत ही इजी जंप मिस कर दी है। अभी ये बंदा, वेट अ सेकंड, अभी बंदा यहाँ पे जी सकता है, मैं बोलने वाला था ये क्या, वेट व्हाट, ये बंदा यहाँ पे पिकैक्स लेकर भी। गाइस अभी ना मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया है, ये बंदा यहाँ पे पिकैक्स लेकर भी आया, फिर से नीचे गिर गया बंदा। यार लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, अब देखो तुम लोग यहाँ पे, अभी ना मैं यहाँ पे, ये बंदा चीटिंग कर रहा है ना। अब गाइस वैसे तो यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह अलाउड नहीं होते, बट मैं भी इन्हीं ब्लॉक्स के साथ अभी कुछ बहुत ही खुराफाती करने वाला इस बंदे के साथ। और बॉयज एंड गर्ल्स मैंने इस बंदे का पूरा वेट किया, क्योंकि मैं इसको हराना तो चाहता हूँ बट मैं इसको सबक भी सिखाना चाहता हूँ। अब आ तू बेटा, तुझसे पहले हमें यहाँ पे, कमन आजा। यस, और इसी के साथ ये पार्कोर चैंपियनशिप में तुम्हारा भाई जाएगा फाइनल में। बस अगर मैं ये वाली जंप को आसानी से मार पाया, नीचे गिरने वाला था मैं ऑलमोस्ट। ओह माय गॉड अभी बंदा बहुत पीछे होगा, अब तो तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरे बेटे। अरे बोलना मेरे बेटे, जा पूरा का पूरा पार्कोर। ओह नो मैं बोलने वाला था इसको पूरा का पूरा पार्कोर, मैं पूरा का पूरा, तू स्टार्टिंग से कर क्या, मुझे इसे करना पड़ेगा, मेरे को इसे करना पड़ेगा इसको। और मैंने दबा दिया इसको शायद से, यस मैं वापस आ गया हूं। यस हम लोग वापस आ गए ब्रो, मैं आगे वापस, और मेरा आर्मर भी वापस आ चुका है बाय द वे, तुम लोग देख सकते हो साफ साफ। एंड
रुको मैं इस बंदे के पास जाने वाला हूँ। क्या हम लोग टॉप फोर में आ चुके हैं? मेरे को इससे बात करनी है अभी उसी वक्त। ब्रो मुझे चलते नहीं पता क्या मैं टॉप फोर में आ चुका हूँ कि नहीं आया हूँ। ऑल राइट गाइस, तो इस बंदे से मैंने बात करी और हम लोग यहाँ पे ऑफिशियली टॉप फोर में आ चुके हैं। फाइनल रेस के लिए हम लोग एलिजिबल है और अभी आएगा बहुत ज्यादा मजा। तो बाकी कंटेस्टेंट्स का वेट करते हैं एंड देन फाइनल रेस की तरफ बढ़ते हैं। मेरे को जीतना जीतना किसी भी हालत में भाई। आज मैं हारू ऐसा हो नहीं सकता भाई, तुम लोग देखो मैं बहुत ज्यादा एनर्जी में हूं अभी। और रह गए तो यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट्स आ चुका है। देखो ये विजर्ड भी यहाँ पर हमारे फाइनल पार्क रेस से पहुंच चुका है, जो कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि ये बंदा तो पहुंचने पहुंचा था किसी भी हालत में। और ये जो दो बंदे तुम लोगों को दिख रहे हैं, ये दोनों बंदे भी यहाँ पे हमारे फाइनल रेस हैं। ओवरऑल हम चारों के चारों बंदे यहाँ पर फाइनल पार्कोर रेस को खेलने वाले हैं। अब इस बंदे ने हमें बोला, जो ये टिकट काउंटर वाला बंदा है, इसने मेरे को बोला है कि ये जो पोर्टल है ना, अभी इस पोर्टल को फाइनल रेस वाले पोर्टल के साथ लाइक उस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया जा रहा है इस वक्त। तो 5 मिनट के अंदर ये हो जाएगा एंड देन उसके बाद हम लोग अपने पार्कोर वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल रेस के पास जाने वाला। देखो ये विजर्ड है यार ये बंदा, अभी ये मेरे को यहाँ पे किसी भी हालत में टच भी नहीं कर सकता है, किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे कैमराज वगैरह लगे हुए हैं। अगर इसने मेरे पे यहाँ पे हमला किया तो ये डिस्क्वालीफाई हो सकता है यहाँ पे इजीली। वो तो इसे पिछले वाले मैच में पता नहीं क्यों वो बंदे ने 2-3 बार चीटिंग करी, एक बंदे को तो मुंह के सामने मार दिया हमारे यार, स्टिल उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। उसको ना पता था ऑलरेडी कि कब जिसे उसके ऊपर नजर रखी जा रही है, कब नहीं रखी जा रही है। बहुत ज्यादा वियर्ड बात है। एंड बाय द वे जितने भी बंदे यहाँ पर मरे हैं, जितने भी बंदे यहाँ पे वापस नहीं आ पाए, दैट वाज इन द कॉन्ट्रैक्ट। पार्कोर वॉरियर चैंपियनशिप का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप मरे तो मरे, क्वालिफाई कर दे तो क्वालिफाई कर दिया। That's why ये बहुत ज़रा खतरनाक पार्कोर चैंपियनशिप है। एंड यहाँ पर क्या झूठ बजना स्टार्ट हो गया। Yes, हमारा वो पोर्टल है वो कनेक्ट हो चुका है फाइनल रेस के साथ। ओ माई गॉड, मेरे दिल की धड़कने बहुत ज्यादा तेज हो रही है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। एंड अच्छा ओके गाइस, मैं तुम लोग एक बात बताऊं, देखो विजर्ड को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तुम लोग को याद होगा प्रोटेक्शन लेवल 1050 का आर्मर फेक वाला है इसके पास, इसको लग रहा है वो असली है। एंड बाय द वे वो वाला पॉइंट भी कभी ना कभी रेस में आएगा एंड सरप्राइजिंगली एकदम से आने वाला है वो। हमारी बैंड बच सकती है। तो चला गया दादा, सारे के सारे चलते हैं अंदर। मेरे को बस उस जंप को ना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एकदम परफेक्टली करना पड़ेगा, किसी भी हालत में वहां पर मैं मैसअप नहीं कर सकता गाइस। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे हमारी फाइनल रेस होने वाली है। ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन मैन। अगर तुम लोग एक्साइटेड हो गाइस लीव अ लाइक। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो साफ साफ कोई भी बंदा नीचे गिरा तो पता है कहाँ पहुंचेगा, सीधा जहन्नुम में पहुंचेगा, दिखेगा भी नहीं कहाँ जैसे पहुंचेगा बंदा, इतना ज्यादा टफ है ये। अब जैसे गाइस हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलेगी, पार्कोर रेस स्टार्ट हो जाएगी सीधा ही। गाइस नीचे लिखा चुका है 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स गो। मैं सबसे आगे हूं सभी और मुझे अपेक्षा करना है कि इस पूरी रेस के दौरान मैं आगे ही रहूं। मैं ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाला था गाइस अभी ब्रो, मैं ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाला था अभी, और अगर मैं नीचे गिर जाता ना तो मैं मर जाता ऑलरेडी यहाँ पे इस रेस के अंदर। चलो भाई गेड़े गेड़े में पार करना है। अरे लोग खाए भाई, ऑलमोस्ट मेरे पीछे है लोग भी, निकल 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 स्पाड़ी में, कम ऑन, बिल्कुल भी मेरे को पीछे नहीं होना। अगर मैं मेक श्योर करूँ कि मैं पूरी पार्क रेस के दौरान सबसे आगे रहूँ लीड में ना, तो फिर कोई चांस नहीं लोगों के पास। ये वाली जंपिंग कंप्लीट हो गई, दिस इज नाइस। एंड अब यहाँ पर क्या करना है? ओ माय गुडनेस डूड, ये ना बहुत ही अजीब सी जंप है यहाँ पे। कम ऑन, यहाँ से यूं आराम से, यहाँ से यूं आराम से, लेट्स गो। मैं ज्यादा बोलना नहीं वाला, जब तक मैं कमेंट्री करता हूँ ना पार्कोर में, मैं उतनी बार नीचे गिरता हूँ। एंड अभी मैं नीचे गिरना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं मर जाऊंगा सीधा ही, तो मैं चुप रहने वाला अभी, एकदम चुप रहने वाला हूँ। मुझे ना आवाज नहीं दे रही, मेरे पीछे ही है, मेरे पीछे ही है भाई ये बंदे। भाई ये बहुत तगड़ा पार्कोर खेलते, बहुत ज्यादा तगड़ा। ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस, लेट्स गो। ओ भाई पीछे पीछे चल रहे भाई ये मेरे। ओरे भाई साहब, एक और लेवल पार हो चुका, सबसे आगे मैं ही हूं अभी तक। यहां पर क्या करना है? ओ माय गॉड, अगर यहां पे थोड़ा भी गलत जगह पे बम्प हुआ तो सीन हो जाएगा। पार हो गया, दिस इज नाइस, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। ओ नो, ये वो डोर वाला है, ये वाला गाइस एक्चुअली बहुत ज्यादा टफ होता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ब्रो आराम से। ओके आखिरी वाला बचा है, इसको भी कर देंगे आराम से, यहाँ से नीचे, यहाँ से आगे, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। और ये लोग खाए, ये लोग मेरे जाएक पीछे है। ओ माय गॉड, और ये वाला सबसे टफ होने वाला है, ये रुको यहाँ पे। ओ माय गॉड, आराम से स्पार्टी भाई, कम ऑन, ये वाला भी आराम से, 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 और ये वाला भी आराम से, लेट्स गो, एक ही बार में हो गया, लेट्स गो। ओ भाई साहब, वो ग्लासेस के ऊपर हम लोगों को छलांगे मारनी पड़ रही थी। चल 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 चल, एक बंदा मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट पकड़ने वाला है, एक बंदा मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पे पकड़ने वाला है। ये वाली जंप टफ है, ये भी मैं मार दूंगा भाई, हमारे लिए कुछ टफ नहीं है। ये भी मार दूंगा, ये भी मार दूंगा,
ये भी मार दूंगा। लेट्स गो, लेट्स गो। मैं आगे पहुंचकर देखते हैं उनके साथ पीछे ये लोग कहां पर है। विजर सबसे आगे है। वेट, ये लोग आपस में फाइट करे। ब्रूए डिस्क्वाल, ये गया। गाइस मैं तुम लोग एक बात बताऊं, इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से टायर चलानी यहाँ लगती नहीं है, उसके लिए मोमेंटम की जरूरत पड़ती है। और विजर्ड ने इसके यहाँ पे बैट बजा दिया। पीछे वाला बंदा तो आगे आ ही नहीं रहा है भाई, डर के मारे इसकी बैट बजी हुई है कि अगर इसको भी विजर्ड ने नीचे गिरा दिया। बट आई हैव नो आइडिया कि विजर्ड यहाँ पे ऐसी चीटिंग कैसे कर सकता है। ये यहाँ पे इसको कोई देख ही नहीं रहा, डिस्क्वालीफाई कैसे नहीं हो रहा है बंदा। अभी मैं चाहूं तो मैं आगे जा सकता हूँ, बट लेट्स सी, मेरे को थोड़ा ड्रामा देखने मजा आ रहा है गाइस, मेरे को ना बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसा फील हो रहा है। वेट, ये मत, इनकी फाइट यहाँ पे स्टार्ट होगी। दो बंदे तो गए और यहाँ पे एक बंदा आई गेस ऑलमोस्ट। वेट, ये फिजर्ड ना ऊपर से कभी भी नीचे आ सकता, और ये एक बंदा गया। अब ये इसको रोक के रखेगा गाइस। मेरे पास अभी एक बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही बड़ी लीड हासिल करने की। सच्ची बता रहा हूँ, मैं जीतूंगा इस पार्को चैंपियनशिप को। तुम लोगों को लग रहा है स्लाइम वाले जंप इजी है, ये बहुत ज्यादा टफ है भाई। विजर्ड का बंदा आगे आने नहीं देगा, और अगर विजर्ड नीचे अटक जाता है तो पार्को रेस से बाहर हो जाएगा, और फिर तो मैं ही जीतने वाला हूँ। बट ये चीज होने नहीं देगा, तुम्हें को मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर मैसअप ना करूँ। यहाँ पर मुख्य सामने एक वो है, पोर्टल है, आई गेस हम लोग अपने अगले चरम सीमा में पहुंचने वाले हैं। चल बेटा यहाँ से फटाफट चल, स्मार्टी पे फटाफट चल यहाँ से, और यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे। एंड लेट्स सी कि यहाँ से आगे हम लोगों को क्या करना है। ओके, नेदर के अंदर ही जाएंगे शायद से। हाँ वेट भाई, एक ओपन नेदर में डाल दिया लोगों ने हमको, ये ओपन नेदर है। यहाँ से हमको जाना कहाँ है, है? ओ यहाँ पे चेस्ट वगैरह है। प्लेयर वन, प्लेयर टू, स्मार्टी पाई, मेरी वाली है। स्कैफोल्डिंग एंड सैंड, मुझे सैंड और यहाँ पे स्कैफोल्डिंग दिया हुआ है इन लोगों ने। मुझे जाना कहाँ है भाई, यहाँ पे कहीं पर भी इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी हुई है यहाँ पे कि हम लोगों को एग्जैक्टली कहाँ पर जाना है। हमें यहाँ पे कहाँ जाना पड़ सकता है, वेट मेरे को यहाँ पे ना फिगर आउट करने दो एक बारी। ओ माई गॉड, यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई है। आई गॉट इट। मेरे को यहाँ पे ना ये रेड सैंड को इसके ऊपर लगाकर क्लचेस वगैरह करके आगे जाना है, बिकॉज यहाँ से नीचे क्या, मेरे को तो ये लग रहा है कि यहाँ पे नेदर के अंदर भी वॉइड तो नहीं बना दिया लोगों ने। नेदर को नीचे कुछ ही नहीं दिख रहा है, और ये जो स्ट्रिंग है हमारी एंड में कहाँ जा रही है मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने। बट आई गेस यही क्लच हम लोग यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ भाई, अभी विजर्ड पीछे आ गया ना तो मुझसे आगे निकल जाएगा बहुत जल्दी। चलो भाई गेड़े गेड़े में। ओ लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, हो गया पार। अब यहाँ से आगे ये तो इजी है। एक सेकंड रुको, मैं पीछे घूम के देखूंगा एक बारी ये लोग कहाँ पर है, अभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं ये लोग, पता नहीं कहाँ जैसे यार अभी। यो मेरी आंखों के सामने सारे के सारे ब्लॉक्स गायब हो गए। ओके, ताकि अगला बंदा सेम ब्लॉक्स का इस्तेमाल ना कर पाए। बट गाइस मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, ये लोग मेरे आस पास भी नहीं है बॉयज एंड गर्ल्स। वैसे तो गाइस मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी लीड हासिल कर सकता हूँ, बट एक काम करते हैं पीछे मुड़कर देख लेते हैं ना। ओ माय गॉड, वेट, इसे मुझे नहीं देखा गाइस, ये वो आर्चरर है इस पॉइंट। ओ माय गुडनेस डूड्स, एक सेकंड रुको गाइस, तुम लोगों को शायद याद होगा इसको मैंने एक बारी बहुत पहले इसके विलेज के अंदर घुस के मैंने बोला था इसको कि बेटा किसी भी हालत पे तू मुझे ना उस पार्क और इसमें नीचे गिराएगा नहीं। तुम लोगों को मैं एक बात बोलूं, इसने ना वो चीज यहाँ पे पैक्ट को तोड़ा है। तो अभी तुम लोग देखो, अब तो मेरा दिमाग खराब हो चुका भाई, मैं ना ऊपर जाके गाइस अभी यहाँ पे इसको मारने वाला हूँ। अभी यहाँ पे बाकी कंटेस्टेंट्स का वेट करेगा, सिर्फ विजर्ड को आगे जाने देगा ये बंदा। बट मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं इसको यहाँ पे ना डबल चीजों से मार ही दूं। तेरी ऐसी तू इधर आ, तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं यहाँ पे, आ जा मेरे बेटे। अब मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं अपनी इस फालतू की पिकैक्स को नीचे फेंक देता हूँ, इसको नहीं इसको फेंक देता हूँ, वह इससे तो मैं इसको मारने वाला हूँ अभी। आ जा बेटे, तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। कमान, इधर किधर है बंदा, इधर किधर, हाँ अभी भी वेट कर रहे लोगों का, अभी भी भाई तान के खड़ा बंदा एकदम। ओ बेटे पीछे देख, हेलो भाई जी पीछे, हाँ भाग रहा है। तेरे को मैंने उस टाइम क्या बोला था तेरे विलेज के अंदर कि तू किसी भी हालत में मुझ पे हमला नहीं करेगा, किसी भी हालत में समझा। पर तब भी तूने मुझ पे हमला किया, तेरी इतनी मजाल, चल लीजिए मर पकौड़ा। वहां से भी एरो मारने की ट्राई कर रहा था तेरी ऐसी की तैसी। अब मुझे सारे के सारे ब्लॉक सारे के सारे फेंकने पड़ेंगे नीचे, अब मैं यहाँ से आगे जा सकता हूँ। ब्रो अगर इसने मुझे हमला नहीं किया होता ना तो मैं तब भी उसको शायद से बख्श देता, बट ऐसे नहीं मेरे बेटे। अब यहाँ से मुझे एग्जैक्टली कहाँ जाना मुझे नो आइडिया यार, यहाँ से नीचे तो खाई है और यहाँ से पर कुछ भी नहीं है, जाना कहाँ है यहाँ पे। वेट कोई आ रहा है, विजर्ड छलांग मार गया, वेट हम लोगों को शायद से, यस एग्जैक्टली हम लोग कहीं से नीचे जाना है, मैं भी कहीं छलांग मार रहा हूँ भाड़ में जाए, लेट्स गो। और चलो भाई यहाँ से नीचे, हमको पक्का यहीं से नीचे जाना, इसको पता होगा एग्जैक्टली क्या करना है। आराम आराम से, अब यहाँ पर कहाँ जा, वेट फाइंड अ हिडन चेस्ट,
इस जगह पे हिडन चेस्ट ढूंढनी अपने को। अरे यहाँ पर आसपास हिडन चेस्ट कहाँ पर हो सकती है? मतलब हिडन चेस्ट को ढूंढना यार। ओए अबे लड़ रहा है, लड़ क्यों रहा है मेरे भाई? यहाँ पर नेदर के अंदर सीसीटीवी कैमरास वगैरह काम नहीं करते गाइस। दैट्स व्हाई थिंक ये मेरे से लड़ने की ट्राई कर रहा है। अबे सुन मेरे भाई, हमारे पास बहुत तगड़े आर्मर्स है, कोई किसी को मार नहीं पाएगा, समझा? ये फालतू की चीजें मेरी इन्वेंटरी पे डालना बंद कर। एक काम करते हैं, यहाँ पे वो जो हिडन चेस्ट है चुपचाप से उसको ढूंढने की ट्राई करते हैं, कहाँ पर वो हिडन चेस्ट हो सकती है। बट यहाँ पर हम लोग कहाँ ढूंढ सकते हैं उसको यार, ये तो बहुत ही बड़ी जगह है। ओके, इसने यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। वेट, मैं अभी यहाँ पर अपने टूल्स वगैरह बनाऊंगा। यहाँ पर टूल्स वगैरह बनाना अलाउड है, मैंने इससे पहले बनाए हुए थे यार, मैं उसी को रख देता ना अगर, तो कितना बढ़िया था। आई गेस हम लोग यहाँ पर आसपास खोदना पड़ सकता है। एंड यहाँ पर अपने लिए मैं यू नो पिकैक्स वगैरह बनाकर खोदना स्टार्ट करने वाला। आसपास कहीं ना कहीं इन लोगों अभी ये भी ढूंढना स्टार्ट कर गया। यहाँ पर पत्थर है, इसके नीचे हो सकता है पक्का, इसके नीचे पक्का हो सकता है। तू जा यहाँ से, मेरी जगह पे ढूंढ रहा है ये बंदा। ओके नीचे लावा, नीचे नहीं होगा 100%। इसको नीचे धक्का मार दूं, लावा में धक्का मार दूं। ओह नो, अगर मैं मार देता ना भाई तो इसके अंदर लग जाते जिंदगी। क्या रे भाई, सॉरी 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 ब्रो, सॉरी ब्रो। ओए वहां से कुछ गिर रहा है ऊपर से। वेट यहाँ देख भाई, 10 spokes। रुक जा। देख भाई, कंपटीशन वालों ने हमको यहाँ पे खाना दिया है, तो आधा तेरा आधा मेरा। ऊपर से गिरा कहीं से ब्रो, आई स्वेयर टू गॉड। चलो बढ़िया ही हो गया, हमारे हंगर बार यहाँ पे कम नहीं होने चाहिए, ये भी एक रूल है बाय द वे। और यहाँ पर फटाफट मैं ढूंढना स्टार्ट करने वाला हूँ। इसी के आस पास भी तो हो सकती है कहीं पर ये। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे विजर मुझे 100% बोल रहा सुन नहीं सकता है, तो मेरे को लग चुका पता वो लावा ना बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है मेरे को। इन लोगों ने 100% लावा के बीच में वो चेस्ट छुपाई हुई है, एंड वहां पे हम लोगों को क्लच करके जाना है। तुम लोग देख रहे पार्कोर रेस के स्टैंडर्ड कितने ज्यादा हाई है। आई नो व्हाट टू डू नाउ गाइस, आई नो व्हाट टू डू। मेरे को ना बस इस विजर से छुप छुपा के ये काम करना पड़ेगा। 18 डोर आ चुके हैं, रुको अब मैं डोर दिखाऊंगा ना इसको, कहीं ये बंदा भी करने लग जाए। मैं मेक श्योर करूंगा ये बंदा अपने विजर से ये जा रहा है जमीन के नीचे। नाइस, और मैं जाने वाला गाइस देखो वहां पे तुम लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा लावा का कुछ ना कुछ वहां पे अजीब सा सीन हो रखा है, और हम यहाँ पे डायरेक्ट छलांग मारने वाला। ओ माय गुडनेस डूड्स, पक्का इधर ही किधर है। जय माता दी, लेट्स गो, कम ऑन, प्लेस हो जा भाई। हेलो, प्लेस हो गया, खोलो इसको। कम ऑन, अंदर जाना है, मैंने दरवाजा खुल रहा, चेस्ट मिल गया मेरे को, दरवाजे का जाना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। ओह दैट्स व्हाई इन लोगों ने हमको ये खाना भी दिया था, खाना खा ले एक बारी। ओके एंड गाइस, मैंने ना तुक्के में यहाँ पर इस चेस्ट को ढूंढ लिया। यहाँ पे लीवर है, ऊपर एक गोल्ड का ब्लॉक था, तुम लोगों को याद होगा। मेरे को एक बारी यहाँ पर मरना बंद करना है, एंड खुद को एक बारी यहाँ पे अच्छे तरीके से मेरे को हील करना है, एंड देन मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। टू बी ऑनेस्ट गाइस, दिस वॉज ब्रिलियंट। ये लोग बहुत ही ज्यादा एक्चुअली में तेज है, ये पार्कोर चैंपियनशिप वाला। एंड आई गेस 4 या 5 ब्लॉक्स में इधर आया था, यहाँ से डायरेक्ट मेरे को ऊपर जाना है गाइस। ऊपर पहुंचते ही हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। क्या मैं दरवाजे के ऊपर दरवाजा लगा सकता हूँ? नहीं, मैं दरवाजे के ऊपर दरवाजा नहीं लगा सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ ऊपर के लिए भाई। मैं बस लास्ट पोक चॉप खाऊंगा और मैं डायरेक्ट ऊपर के लिए जा रहा हूँ अभी, ठीक है ना? देखी जाएगी। चल भाई, कमान स्मार्टी भाई, प्लीज मरना नहीं, प्लीज अभी नहीं मरना भाई। काश एक पर्ल होती मेरे पास यहाँ पे, ये बहुत ही लास्ट। मैं ऊपर पहुंच गया हूँ, नाइस ब्रो। एंड इसका मुझे नो आइडिया फिलहाल को कि ये कहाँ पर है अपना विजर्ड। इसको यहाँ पे दबा दे, कमान, ऐसे करके मर जाऊंगा, मेरे को यहाँ पे ना सैंड नीचे डालनी पड़ेगी। ओ मुझे नीचे दिख रहा है, ब्लॉक से नीचे लगे ब्रो, यहाँ पर ब्लॉक लगा सकता हूँ। कमान, ओ माय गॉड आई एम डेड नाउ, प्लीज, तीन चार हार्ट बचे, आई थिंक वहां खाना पड़ा हुआ है। थैंक गॉड फेडरेशन वालों, तुम लोगों ने यहाँ पे खाना रखा हुआ है, मैं अभी यहाँ पे मर ही जाता। ओके विजर्ड ही भरा चुका है, अभी इसको नो आइडिया। अब मैं इसको यहाँ पे लीवर दिखाऊंगा, यहाँ पे खोदने की एक्टिंग करता फिर से। अरे भाई मैं गलती से लावा के बीच गिर गया था मैं यार, और बच गया मैं भी कसम से। रुक जा, यहाँ पे थोड़ा सा खाना यहाँ पे डाला हुआ था उन लोगों ने, तो ले खाना ले जा तू भी, थोड़ा सा खाना डाला हुआ था इन लोगों ने यहाँ पे। तू 2 pork chop ले जा, और मैं भी यहाँ पे 2 रखता हूँ अपने पास, ठीक है भाई। यार ये पता नहीं कहाँ पर है चेस्ट इन लोगों ने लगाई हुई, आई थिंक इस पहाड़ के अंदर हो सकती है जहाँ से हम लोगों ने छलांग मारी है, तो वहां पर चेक करता हूँ मैं एक बार जरा। चला गया पकौड़े, इसके ऊपर एक एक्सपर्ट टूट गया यहाँ पे, इसको लगाएंगे यहाँ पे। एंड And I think वो जो लीवर है वहाँ पे वो भी वहाँ पे हट जाने वाला है, या अगेंस्ट लीवर को देख लिया तो ये खुद भी वहाँ पे टेलीपोर्ट कर जाएगा। And yes, हम लोग वापस आ चुके हैं। चलो भाई अब यहाँ से अब आएगा असली मजा। अब हम लोग यहाँ पे अपने लास्ट के स्टेजेस पे पहुंच चुके हैं गाइस, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे आगे। कम ऑन, चलो भाई आराम से आएंगे हम लोग। आई थॉट कि मैं नीचे गिर गया। एंड देखो यहाँ पे कैसे स्पाइडरमैन की तरह चिपका हुआ भाई, मुझे लगता है कि विजर्ड यहाँ पे टाइप पे आएगा। मेरे पास अभी एटलीस्ट 5 मिनट की लीड है, मुझे नहीं पता कि पार्क को कितना बचा हुआ है हमारा, ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाला था अभी।
अभी आई हैव नो आइडिया कितना और बचा हुआ है, बट अभी मैं 100% गाइस एक लीड पे, देखो आसपास कोई नहीं है, कोई माइकल आ नहीं, एंड गाइस अभी यहां पे ना वो वाली जंप्स आ चुकी है, जो वो एक ब्लॉक को छोड़कर हमें कुछ छलांगे मारनी पड़ती है ना, वो वाली जंप्स, यहां से यहां आराम से जाएंगे और इसको टप के जाना ना बड़ा ही मुश्किल होता है। ओह माय गुडनेस डूड्स, मैंने कर दिया, यहां से ये वाला भी इजी है, यहां से ये वाला भी इजी है, ऑफ कोर्स ये वाला भी इजी है, ये वाला भी इजी है, एंड एक आखिरी वाला बचा हुआ है, इसको टप दिया तो मेरा काम हो जाएगा। अरे क्या पागल है ये लोग, यहाँ से आगे डेड एंड है, वहां आगे तो मैं जा नहीं सकता हूँ। ब्रो आर यू सीरियस डूड्स, ये हमें बोल रहे हैं जंप डाउन बेस्ट ऑफ लक, ये क्या बात हुई भाई, कैसे छलांग मारेंगे, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यार। देखो अगर इन लोगों ने लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, पीछे मुझे यहाँ पे विजर्ड कहीं भी नहीं दिख रहा है, स्टिल मेरे पास यहाँ पे अभी भी अच्छी खासी लीड है, मैं मारो छलांग भाड़ में जाए। 3-2-1 लेट्स सी के नीचे क्या होता है, अब पोर्टल नीचे, व्हाट ब्रो, मेरे पास वाटर बकेट, ओ आई नो आई थिंक मैं नीचे गिरा, देखो गाइस मैं एक्चुअली में ऊपर से नीचे गिरा, ये वही वाली जंप है जहाँ पे प्रोटेक्शन 1050 लेवल के आर्मर की जरूरत थी, अगर अभी यहाँ पे क्लच फेल हुआ तो मेरी हेमलैंड की जर्नी वेस्ट हो जाएगी, लाइक खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी, एंड आई गेस हम लोग कभी भी यहाँ से नीचे पहुंचने वाले। ओ माय गॉड आई एम सो वरीड, ओ माय गॉड यस ब्रो मैंने कर दिया इसको भाई साहब, यहाँ पर अब यहाँ से बाहर, यहाँ पर डायमंड है बाय द वे, अब यहाँ से बाहर यहाँ पर एक बटन है एंड ओ टेलीपोर्ट हो गया, अरे हम लोग तो वापस से वहीं पे आ गए, आई गेस हमारा पार्कोर कोर्स अभी हमें कंप्लीट होने वाला है, एंड लेट मी चेक विजर्ड का अता ना पता, मेरे को लग रहा है गाइस अभी हम लोग ये जीत सकते हैं फाइनली, एंड ओ नो नो नो, मैं यहाँ से नीचे ऑलमोस्ट गिरने वाला था, बट इसके अलावा गाइस ब्रो व्हाट इज दिस ब्रो, पूरा का पूरा आयरन बार वाला पार्कोर दिया हुआ है, ओ माय गॉड ये पहली जंप इतनी ज्यादा इम्पॉसिबल थी ना, क्या ही बोलूं मैं, मेरे पास फालतू का सामान पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा सामान मैं फेंकने वाला हूं नीचे, मेरे को मेरा हाथ खाली चाहिए, बस खाली हाथ से पार्कोर होता है, मेरे को बस ये थोड़े बहुत लेवल्स पार करने, भाई बहुत ज्यादा टफ होंगे गाइस टू बी ऑनेस्ट, एक भी जंप मिस हुई ना तो मैं सीधा नीचे गिर जाने वाला हूँ, मेरे को बस किसी भी आना था विजर्ड से पहले टॉप में पहुंचता, ये टकले वजह मेरे भाई बस बच गया अभी यहाँ पे कसम से, यहाँ साइड से चलेंगे, यहाँ पे मैं इधर छलांग मारूंगा, यहाँ पे मैं इधर छलांग मारूंगा राम राम से, यहाँ पे मैं इधर टकले पे बच सकता, मेरे साइड से छलांग मारनी पड़ेगी यूं करके यहाँ से यहाँ पे, और मैं नीचे गिर गया हूँ बाय द वे, बच गया हूँ मैं अभी, मेरे को बस ये वाली हरकत फिर से नहीं करनी है, यहाँ से यहाँ पे आराम से ठीक है ना भाई, टकला बजाते हुए यहाँ पे मेरे को छलांग मारनी है सिंगल वाले पे, और सिंगल वाले जाना है इस सिंगल वाले पे, यहाँ से जाऊंगा मैं इधर, बहुत सारा बढ़िया स्मार्टी बैक कम ऑन, यहाँ से यहाँ पे, अब यहाँ से कहाँ जाना है, डोंट टेल मी मेरे को यहाँ जाना, पर ये मुंह के सामने टकले बजेगा मेरे, व्हाट ये इम्पॉसिबल हो गया, ओ यस ओ यस ओ यस, अब यहाँ से इससे बच बचा के मेरे को वहां छलांग मारनी है, ये भी लगी इजीली, यहां से जाएंगे इधर के लिए, यहां से तो एक ही रास्ता दिख रहा है ये वाला, यहां से ये टकले बच सकता हूं, पर मेरे इसका ध्यान देना पड़ेगा, हो जाएगा ब्रो हो जाएगा आराम से जाएगा, अब इस टकले से बचते बचते मेरे को वहां छलांग मारनी है, ये ना बहुत ज्यादा टफ बनाया हुआ गाइस, ये ना मेरे सर पे पक्का बजने वाला है, मेरे को शक हो रहा है, मैं अभी पिछले कम से कम 20 सेकंड से यहाँ पर हूँ और मैं देख भी रहा हूँ, विजर्ड का नामो निशान भी नहीं है भाई, उसको शायद से वो दिखाई नहीं, या तो ऑलरेडी मर चुका है वो, क्योंकि प्रोटेक्शन 1000 का 50 का जो आर्मर था वो फेंक दिया हुआ है उसको मैंने, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, आई थिंक हम लोग यहाँ पे इस पार्को चैंपियनशिप को जीतने वाले अभी, अरे भाई अब वहां पे छलांग मारनी पड़ेगी, दो बीच में ना आ जाए बस, कोई बात नहीं स्मार्टी भाई, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, लेट्स गो, अब यहां से मैं ऊपर जा सकता हूं, मैं नीचे गिर जाऊंगा यहां पे, इनफैक्ट मैं सोच रहा हूं यहां से यहां साइड में जाता हूं, यहां से यहां जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं, यहां से हो गया, Congratulations, you are the ultimate parkour warrior. I'm the winner, guys. Finally, parkour championship में जीत चुका हूँ. Oh my God. मेरे को अभी भी यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा है. Are you serious? मैं जीत चुका हूँ यहाँ पे. ये सही यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ. पर अगर मैं जीता तो यहाँ पे कोई celebration type क्यों नहीं हो रही भाई? Hello? कुछ तो यहाँ पे bump पटाके वगैरह फटने चाहिए ना. Wow. इन्होंने मेरे को टेलीपोर्ट कर दिया, मैं वापस आ गया अपने वर्ल्ड में, हमें जहाँ पे हमारी पार्को चैंपियनशिप स्टार्ट हुई थी, हम लोग जीत गए ब्रो एक सेकंड को, अब यहाँ पे हम लोग को वो अनब्रेकेबल ब्लॉक्स तोड़ने वाली पिकैक्स वगैरह मिलने वाली है, अब लेट्स सी कि
कि वो हमें कहां पर मिलते हैं। मैं जा रहा हूं मेन उस बंदे के पास, उससे पूछ के आता हूं मैं तेरे एक बारी कि सारे के सारे बंदे अभी तक कहीं पे गेड़िया मार रहे हैं। आई हैव नो आईडिया विजर्ड वगैरह कहां पे होंगे इस वक्त भाई, मैं से बात करके आता फटाफट। ब्रो मुझे फटाफट बता मेरा सामान कहां पर है, मैं जीता हूं ना, मतलब वहां पे लिख के तो आया था बट मैं जीता हूं ना भाई, मुझे वो बता दे तू बस एक बार यार। ऑल राइट है, तो मैंने इससे बात करी टिकट काउंटर वाले बंदे से और इसने मुझे बताया कि एक्चुअली आप यहाँ पे पार्को चैंपियनशिप को जीत चुके, यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, पता नहीं कहाँ पर एक टीवी लगा था बहुत बड़ा, सभी लोगों ने देखा आपको जीतते हुए और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे कहीं स्टेज वगैरह लगने वाला है जहां पर हमको वो पिकैक्स वगैरह दी जाएगी एंड उसके बाद गाइस हम लोग अपने हेमलैंड को फाइनली बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को पता है कि वो पिकैक्स के साथ मैं क्या करने वाला हूं, वो जो हमारा स्ट्रांग होल्ड है ना जिसको मिस्टर फलाना जी अभी बेचने की कोशिश करेगा, उसके कीमती क्रिस्टल्स को उसको हम लोग कहीं और शिफ्ट कर देने वाले हैं। और साथ साथ के ये पिकैक्स लोगों को एक और चीज के लिए लगती है, तुम लोगों को याद होगा हमारे हिमलैंड्स के अंदर वो मशीनें चल रही है जो वाइब्रेशन वगैरह कर रही है कि नहीं, हर जगह पे वो मशीनें कंटिन्यूसली हिमलैंड्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है, वहां पर भी अनब्रेकेबल ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, तो इस पिकैक्स से हम लोग वो मशीनों को भी तोड़ सकते हैं एंड हमारा हिमलैंड हर जगह से बच जाएगा, हम लोग जीते मिस्टर फलाना जी हारने वाला है। तो बस फटाफट ऐसा वेट करते हैं और इधर ही किधर यहाँ पर ये लोग अभी स्टेज वगैरह लगाना स्टार्ट कर देंगे। आई एम सो एक्साइटेड ब्रो। ऑल राइट गाइस, तो ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे मुंह के सामने एक स्टेज बना दिया है जहां पर जाकर हमको मिलने वाला है ये पूरा का पूरा पुरस्कार। मुंह के सामने देखो गाइस, अनब्रेकेबल ब्लॉक्स को तोड़ने वाली पिकैक्स, अनब्रेकेबल ब्लॉक्स को तोड़ने वाली एक्स और साथ ही साथ दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्ड जो कि अगेन सारे सारे ब्लॉक्स को भी तोड़ सकती है। तो ये दिखने में तो भाई पूरी पूरी नेदरराइट जैसी लग रही है बट काम बहुत ज्यादा करिश्माई करती है, लाइक बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं है ये, तुम लोगों को कभी माइनक्राफ्ट में ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी। और ऑर्गेनाइजर तुम लोगों को साइड में देख सकता है भाई, बंदा पूरा सूट बूट पहन के एकदम तैयार है और ये थोड़ी देर में मुझे अपने आप ही हिंट देगा, ऊपर बुलाएगा एंड देन उसके बाद गाइस जैसे मुझे हैंड ओवर करेगा तो यहाँ पे बम पटाखे फटने वाले, हर जगह पे सेलिब्रेशन होने वाली है बिकॉज हिमलैंड का नया पार्कोर वॉरियर आ चुका है यहाँ पे जो कि स्मार्टी पाय, और बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड फील हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा मजा है आज मेरे को, सीरियसली बता रहा हूँ तुम लोगों को। A few moments later. All right guys, ये मुझे बुला रहा है आगे के लिए, let's go. What? What is this? ये क्या हुआ? Oh! दिख रहा है ये क्या हो गया यहाँ पे? Oh my god! मैं फटाफट घुमा गया सी. Bro, what the heck was that? What the? गाइस यहाँ पे लोग मर चुके हैं, ये क्या है ये? Bro, what was that? Wait, यहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं. What? ये मिस्टर फलाना जी है, मेरे को इसका नेम टैग दिख रहा है, वो भाग रहा है बंदा। What? गायब हो गया, एक सेकंड रुको, मिस्टर फलाना जी था ये, हमारा स्टेज अभी तक बचा हुआ है, एक सेकंड रुको। What? Oh no way dude, इसने वो सारे के सारे पिकैक्स वगैरह चोरी कर दिया। Wait, नहीं सच में कर दिया इसने? इसने वो कर दिया है, वो देखो वहां पे। No ways, हमारा सारा का सारा माल चोरी की, कौन आ रहा उड़ के? नूबड़ा जी, गाइस ये क्या हो रहा है ये? Bro, what happened? क्या हो गया? गाइस मुझे कुछ तो बताने, ये बहुत सारा पैनिक में मुझे कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा है बंदा, रुको मैं से बात करके आता हूँ। बिल्कुल मेरी दिल की धड़कने बहुत तेज, मुझे बहुत अजीब लग रहा है यार, ये हुआ क्या अभी यहाँ पे? ऑल राइट गाइस, तो नूबड़ा जी ना थोड़ा सा लेट हो गया यार, नूबड़ा जी अभी भागता हुआ आया बहुत ज्यादा फास्ट बिकॉज नूबड़ा जी को पता लग गया था कि मिस्टर फलाना जी इस पार्कोर कॉम्पिटिशन में एंड में आ रहा धमाके करने के लिए, पता नहीं कौन सा TNT लॉन्चर लेकर आया भाई वो बंदा। और नूबड़ा जी एंड प्रोफेसर ने देखा खुद अपनी आंखों से फलाना जी ने SJ को चोरी कर दिया। एंड गाइस अभी मैं मिस्टर फलाना जी को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं बिकॉज नूबड़ा जी ने मुझे कुछ पावर्स दी हुई है, मैं तुम लोगों को आज तक रिवील नहीं किया था। एंड गाइस चेक दिस आउट, हम लोग यहाँ पे उड़ के जा सकते हैं और स्मार्टी पाइप इसी चीज का इस्तेमाल करके SJ को बचाने के लिए जाएगा। फ्रांसिस तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक तो मेरे दोस्त को तूने यहाँ पे कैप्चर कर दिया है, दूसरा तूने मेरी जो मेहनत है ना उसका फल अपने नाम कर दिया है, मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ।